तो गाइस सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले और थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स के बारे में बता देता हूँ। थोड़ा सा जान लीजिए कि स्ट्रक्चर्स का जो करेंट सिनेरियो है वो क्या है, ठीक है, कितना मेहनत की आवश्यकता पड़ रही है ये भी बता दूँ, किसके लिए स्ट्रक्चर्स अच्छा है ये भी बता देते हैं। मीन्स अपने 4 महीने के इस पूरी सीरीज में हम लोग क्या करेंगे वो तो हम सीखने ही सीखने वाले हैं, समझने ही समझने वाले हैं। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो चुका है गाइस, वो फैक्ट्स भी हम आपको आपके साथ यहीं पर शेयर कर देंगे। आप डिसाइड करिए कि वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स की जो अपना जो 4 महीने की इंटर्नशिप होती है, ये इंटर्नशिप हम लोग लगभग 4 4 5 5 महीने पे एक इंटर्नशिप रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते, जैसे मेरे पास समय रहता है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रही है 20 अक्टूबर से, बट वो बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसको आप बहुत अच्छे से पहले खुद के अंदर डिसीजन लो। आपको बता दूं इस समय जो स्ट्रक्चर्स है, नो डाउट स्ट्रक्चर से अच्छा कोई डोमेन नहीं है, स्ट्रक्चर से अच्छा कोई डोमेन आपके सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हो न है न हो सकता है। बट ये भी जान लीजिए कि स्ट्रक्चर्स का जो लेवल है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स का जो कह सकते हैं टफनेस है, अरुण सैनी अपना कैमरा ऑफ कर देना, स्ट्रक्चर्स का जो हार्डनेस है वो थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू ऑल अदर प्रोफाइल्स। मतलब स्ट्रक्चर्स में जॉब लेने के लिए स्टडी का लेवल बहुत हाई रखना पड़ता है। स्ट्रक्चर्स में जो जॉब ले लेता है एक्सपीरियंस के बाद, अगर आपको पता है, कुछ लोगों को पता होगा, ठीक है, आप सबको माइक ऑन करने का सबका मौका दिया जाएगा, बस मेरी बात थोड़ी सी आप समझ जाएंगे उसके बाद मजा आएगा आपके लिए इसके की समझ जाएंगे इसके बारे में तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो स्ट्रक्चर्स में अगर आपको जॉब लेनी है तो बहुत ही डिसिप्लिन रखना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। साथ ही साथ स्ट्रक्चर्स उनके लिए है गाइस जो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं मैथमेटिक्स को, जो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं सोमटू और आरसीसी को। अगर आपका इंटरेस्ट स्ट्रक्चर्स में है, आरसीसी में है, सॉरी आरसीसी स्ट्रक्चर्स में है, सोम आपको बहुत अच्छा लगता है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है, तभी आप ये डिसीजन लीजिए कि मुझे स्ट्रक्चर्स में करियर बनाना है। अदरवाइज मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं कि आप स्ट्रक्चर्स में मत एंट्री करो। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर्स में जो जॉब लगती है बहुत हाई लेवल की स्टडी होने के बाद लगती है, मतलब कहते हैं एंट्री जो होती है इसकी थोड़ी सी टफ होती है, बट एंट्री करने के बाद जो कैरियर आपका बनता है वो बहुत ही प्यारा बनता है, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर्स में अगर आप एक बार एंट्री कर गए, स्टार्टिंग में हो सकता है आपकी सैलरी कम मिले, ये भी इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द योर इंटर्नशिप कि स्ट्रक्चर्स में हो सकता है स्टार्टिंग कम मिले, पर 1 साल 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद स्ट्रक्चर इंजीनियर को इतना मिलता है, इतना मिलता है, किसी और डोमेन को उतना मिलना संभव नहीं होता। कैसे? एक स्ट्रक्चर्स कंसल्टेंट अगर एक्सपर्ट है, ठीक है, तो बाद में सिर्फ और सिर्फ क्या करता है उस डेफिनेट, उसके पास एक छोटी सी टीम होगी, टीम पूरी एनालिसिस करती है। स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम बस इतना सा होता है, चेक करना, अपनी राय देना। स्ट्रक्चर इंजीनियर एक तरीके से डॉक्टर की तरह अंधाधुंध पैसा कमाता है, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उसके पास पैसे की कमी नहीं होती। बट स्टार्टिंग इतना टफ है कि आपको, मैं डरा नहीं रहा हूं, बस मार्केट की फैक्ट बता रहा हूं। कल को आप ये ना बोले कि सर मैंने इंटर्नशिप तो कर लिया बट मुझे अभी जॉब नहीं लग रही, ठीक है, मैं बोल लूँ भाई मैंने पहले क्लियर किया है कि इसमें आपको 80% से ज्यादा, पहली बात हमारे इंटर गुरुकुल का रूल है कि 80% से ज्यादा तो आपको अपना अटेंडेंस मेंटेन रखना है। अटेंडेंस शरीर से नहीं, यहाँ से, मतलब पूरे टास्क के साथ लेक्चर जो आपको दिए जाएंगे उनको वॉच करके हर तरीके से आपको 80% मिनिमम अवेलेबल रहना है, पर अच्छा सफलता पाने के लिए 90+ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे, बाद में डाउन होने लगेंगे धीरे 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 धीरे, और फिर बाद में इतने डाउन हो जाते हैं कि उनको मतलब क्या ही करना, ठीक है, एकदम लेजी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग नहीं है गाइस, थोड़ी सी टफ डोमेन है, और ये टफ डोमेन में एक बार एंट्री आप कर गए, स्टार्टिंग हो सकता है आपको समस्या होती है सेटिंग होने में, फिर एक अच्छा स्ट्रक्चर कंसल्टेंट के अंदर काम करने में, एवरीथिंग, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है, मैं अपनी बात को आराम आराम से रख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बीच में, अभी कोई लेफ्ट नहीं के फिलहाल, बट कोई बीच में लेफ्ट नहीं करेगा, अदरवाइज मैं जल्दी 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 करके करना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। एजुकेशन आपके दिमाग में अच्छे से यहाँ से यहाँ तक उतरनी चाहिए, मतलब
दिल पर आपके लगनी चाहिए कि हाँ यार कुछ नया सीखा, कुछ नया जाना स्ट्रक्चर्स के बारे में, सिविल के बारे में, किसी भी डोमेन के बारे में कुछ अच्छा जानना, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो आज हम लोग समझ रहे हैं कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के बारे में, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर अगर कैडियो बनाना है, आज का जो करंट मार्केट है उसको क्या चाहिए, मतलब अगर मैं बोलूँ कि तुमको स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है गाइस तो कैसे बन सकती, तो बहुत शॉर्ट में आपको तरीके बता देता हूँ। आपके पास ऑटोकैड का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अच्छा नॉलेज की बात कर रहा हूँ, मतलब लाइन पॉलीलाइन सर्किल कमांड की शॉर्टकट की नहीं होती अच्छी बात। अच्छा कमांड मतलब आपको स्ट्रक्चरल डिटेल्स आना चाहिए, अच्छा कमांड मतलब आपको बार के साइजेस के बारे में पता होना चाहिए, आपको एलडी पता होना चाहिए, आपको कैंटिलीवर बीम, इन्वर्टेड बीम, इनकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। चेकलिस्ट ऑफ सेक्शन, चेकलिस्ट ऑफ एलिवेशन, चेकलिस्ट ऑफ क्या बोलते हैं वर्किंग ड्राइंग, चेकलिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। मतलब एक स्ट्रक्चर इंजीनियर वही है जिसको इन सब चीजों का अच्छे से ऑटोकैड में पता है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको स्टैट प्रो आना चाहिए। अब बोलोगे सर वो तो मैंने सीखा हुआ है, ठीक है। देखिए अगर स्टैट प्रो आपको सीखना है, ठीक है, तो आज के टाइम में बड़ा ही आसान है, ठीक है। लेकिन जिसे आप स्टैट प्रो बोलते हैं वो एक्चुअली स्टैट प्रो नहीं है। स्टैट प्रो का मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट फाइल को इंपोर्ट कैसे करना है, एनालिसिस पर क्लिक कैसे करना है, सपोर्ट कैसे लगाना है, ये कौन सा स्टैट प्रो है। ये तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो सबसे बेहतर तरीके से, न किसी प्रोफेशनल यानी हम लोग की तरह किसी के पास जाने की जरूरत है और न ही किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत है। यूट्यूब इज द बेस्ट सोर्स फॉर लर्निंग द स्टैट प्रो, बट आज के टाइम में इंडस्ट्री को स्टैट प्रो नहीं चाहिए। स्टैट प्रो सीखने वाले हजारों लाखों पड़े हैं, आपके भी कई दोस्त होंगे, पूछो उनसे, कई लोग बोलेंगे हाँ यार मुझे स्टैट प्रो आता है, बट वो स्टैट प्रो नहीं चाहिए। आज के टाइम में स्टैट प्रो के साथ सामने वाले को चाहिए कि आप क्या विंड की एनालिसिस कर सकते हो क्या मैनुअली और सॉफ्टवेयर से, ठीक है, उसका कंपैरिजन कर सकते हो क्या, क्या आपको सिस्मिक की एनालिसिस के बारे में पता है क्या, बेस शियर के बारे में पता है क्या, आपको पता है क्या कि वीवी क्या होता है, केवल वीवी क्या होता है, क्या आपको पता है कि डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या आपको पता है, मतलब आपका आज का स्टैट प्रो जो है वो थोड़ा अलग तरीके से हो चुका है। इसमें आपको डेप्थ नॉलेज, आपको सी रोल के टाइप पता है क्या, सी रोल के डिजाइन करने के स्टेप लाखों पड़े हैं यूट्यूब पे, तो उसको ना मुझसे सीखने की जरूरत है ना किसी और से, मैं बहुत क्लियर आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो तो आप हमारे क्या बोलते हैं, आप सबके पास हमारा ऑल इन वन कोर्स होगा सबके पास, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो मेरा सबसे बेस्ट कोर्स है। कोर्स मेरे लगभग आप सबको पता हो अगर तो 25-30 होंगे, मुझे क्लियर नहीं पता कितने हैं, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑल इन वन से जितना मैं सेटिस्फाइड हूँ वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट है। तो आप तो वहां से सीख लो, आप मुझसे सीखो सीखोगे, तो उसको सीखने का मेन रीजन गाइस ये है, सी रोल को कैसे यूज करते हैं प्रैक्टिकली समझना, कैसे कितने टाइप्स के सी रोल होते हैं, क्यों सी रोल को यूज करते हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज को अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, फिर लोग स्टैट प्रो अपने रिज्यूम में लिखे रहते हैं बट वो रिज्यूम तक ही रह जाता है, किसी से पूछा जाए कि व्हाट इज द फाइल फॉर्मेट तो कई लोगों को पता ही नहीं रहता है। फिर बात करें ईटीएफ्स का, ईटीएफ्स तो बहुतों ने सीखा हुआ है, फिर सबके पास ईटीएफ्स में जॉब क्यों नहीं है, क्योंकि ईटीएफ्स का डेप्थ नहीं सीखा है गाइस। ईटीएफ्स का डेप्थ क्या है, डायनेमिक्स पुश ओवर एनालिसिस पी डेल्टा इफेक्ट्स, इस तरीके का जो डेप्थ है स्टैट प्रो का वो नहीं, ई डेप्स का वो आपने नहीं सीखा हुआ है। अगर वो सीखा हुआ है तो आप एकदम परफेक्ट है। अब ये हो गया कि कई लोगों ने, कुछ ऐसे लोगों जो मेरे ऑल इन वन से बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे स्टैट प्रो ई डेप्स, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या सीखना जरूरी होता है आज के टाइम में, सेफ सेफ से आप क्या कर सकते हो, फुटिंग के डिजाइन कर सकते हो। तो मतलब किसी को अगर करेंट में करियर बनाना है स्ट्रक्चर सिंगिंग के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले ऑटोकैड आपको अच्छे से आना चाहिए, जैसा मैं बोला वैसा ऑटोकैड, स्टैट आना चाहिए जैसा मैंने आपको समझाया वैसा स्टैट, उसके साथ आपको ई टैब्स आना चाहिए, ऑटोकैड, स्टैट, ई टैब्स और सेफ, ये चार मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप इनको सीखे हुए हैं तो आप स्ट्रक्चर्स के लिए प्रॉपर एलिजिबल है, बट अगर आप अपना खुद का रोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं फ्यूचर में तो आपको एक्सेल का नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट से बात करना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा डाटा को, मैनुअल का नॉलेज होना चाहिए, प्लस क्लाइंट कहता है जो दिखता है वही बिकता है, यानी उसको आर्किटेक्चर व्यू भी चाहिए, तो आपको रैबिट आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर्स का भी नॉलेज होना चाहिए। तो जो हमारा मुख्य रूप से जो सिलेबस है वो यही है कि आपको ऑटोकैड आना चाहिए, स्टैट प्रो आना चाहिए, स्टैट फाउंडेशन आना चाहिए, ईटैब्स आना चाहिए, सेफ आना चाहिए, मैनुअल आना चाहिए, रैबिट आर्किटेक्चर आना चाहिए, रैबिट स्ट्रक्चर्स आना चाहिए, रैबिट डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, ये मुख्य रूप से अपना सिलेबस है। सिलेबस मैं आपको ग्रुप के अंदर डिटेल भेज दूंगा, अगर
हमारे कोई टीम के लोग अगर इस लिंक से जुड़े हैं तो प्लीज वो वाला लिंक शेयर कर दीजिएगा, जो अपना स्ट्रक्चर्स का 10-23 वाला ग्रुप है, वो वाला स्ट्रक्चर्स 10-23 वाला, तो उसमें मैं शेयर कर दूंगा जो भी आज का स्टडी मटेरियल है एवरीथिंग, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और चलिए बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ, क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं सर मेरा क्वेश्चन बताइए प्लीज, बताता हूँ। तो पहली चीज तो हम लोग ये सीखने वाले हैं। अब क्या होता है गाइस, ये कई लोगों ने सीखा होगा, ऑल इन वन से सीखा होगा, यूट्यूब से सीखा होगा, कई अलग सोर्सेस है, किसी के साथ भी सीखा होगा, फिर जॉब क्यों नहीं लग रही है? तो जॉब आपको लगने के लिए कई चीजें करनी पड़ती है। वो क्या करनी पड़ती है, आज आप अप्लाई कर रहे हो तो ये मान के चलो कि 1 मंथ का गैप होना चाहिए आपके प्रोडक्टिव रिप्लाई के लिए। मतलब आज आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस कंपनी वाले बैठे नहीं है, क्या रहे थे क्या बोलते हैं इन्होंने राजेश ने जस्ट अप्लाई किया, जल्दी शॉर्ट लिस्ट करो इनको, कोई नहीं बैठा हमारे लिए, एम्प्लॉयज की कमी नहीं है, तो एम्प्लॉयज ऑलरेडी बहुत ढेर सारे लोग हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप जस्ट करेंगे और खट से आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो पहली चीज आपको पैशनेटली अप्लाई करना पड़ेगा। पैशनेटली अप्लाई मतलब जो उस कंपनी की जरूरत है वो आपके रिज्यूम के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अभी भी जस्ट मैं अभी मैं घर पे हूँ, तो आप सबको पता है घर पे तो नॉर्मल काम करने पड़ते हैं। अब मुझे आज नमक लेना था, क्या लेना था, नमक लेना था अपने गैया को खिलाने के लिए, तो गाय को खिलाते हैं नमक, जो किसान घर से होंगे उनको पता होगा। तो अब मैं अगर नमक लेने मेडिकल स्टोर पे जाऊं तो क्या होगा, बेवकूफी होगी। मिठाई की दुकान पे जाऊं तो और बड़ी बेवकूफी होगी, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, किराना स्टोर पे जाना पड़ेगा नमक लेने के लिए, राइट। मतलब क्या है, मतलब ये है कि किराना स्टोर वाला जो है वो नमक रखता है, तो हमें कौन रखेगा जिसका काम मुझे पता होगा, ठीक है। तो अगर हम नमक है तो हमें पता होना चाहिए हमें सेट कहाँ होना है, अगर हम स्ट्रक्चर इंजीनियर है तो हमें पता होना चाहिए कि हम सेट कहाँ होंगे, हम उस कंपनी में सेट होंगे जो कि किराना का दुकान का काम करती है, यानी जो स्ट्रक्चर कंसल्टेंट। अच्छा जी, ये तो क्लियर हो गया स्ट्रक्चर कंसल्टेंट। अब वो कंसल्टेंट की जरूरत हमें समझना पड़ेगा कि उनको चाहिए क्या, एक स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को क्या चाहिए, ऐसा बंदा जो अच्छे से सेंटर लाइन कर सके, अच्छा बंदा जिसको स्ट्रक्चर्स का डेप्थ नॉलेज हो, ऐसा बंदा जिसको स्ट्रक्चर्स का उस जो समझता हो कि डायनेमिक क्या है, स्टैटिक क्या है, पुश ओवर क्या है, पी डेल्टा क्या है, जिनके बारे में वो डेली डेप्थ में स्टडी करता हो, जिसको वो एंजॉय करता हो, ऐसे लोगों को स्ट्रक्चर इंजीनियर हायर करेगा। तो मतलब किराना की दुकान में आपको सेट होने के लिए ये चीजें आपको पता होना चाहिए, भाई ये चीज चल रहेगा तब ये रखेगा। अब बात ये है कि जब ये फिक्स हो गया कि आप पूरी तरीके से परफेक्ट हो गए नमक के तरह, आपके जैसे कई लोग हैं, ठीक है, अब टाटा वाले भी बेच रहे हैं और पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां हैं जो नमक बेचती होंगी, अब वो दुकानदार किसको रखे? तो बात ये होगी कि भैया जिसकी मार्केटिंग अच्छी होगी, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसको लोग रखेंगे। तो मार्केटिंग अच्छी का मतलब क्या होता है गाइस, मार्केटिंग अच्छी का मतलब होता है आपका शो ऑफ, शो ऑफ इन द सेंस कि आप कैसे चीजों को प्रेजेंट करते हैं, तो उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं पोर्टफोलियो, बिजनेस लैंग्वेज में बोलते हैं कैटलॉग, ठीक है। जैसे कि अभी मैं रिसेंटली कुछ खरीदने गया था तो उसमें कई चीजें थी, तो मैंने बोला भाई अपना कैटलॉग दिखाना तो हम डिसाइड कर लेंगे। हाँ, कपड़े का डिजाइन था जिसमें कोट पैंट सिलाना था, तो मैंने उसने बताया भैया ऐसा सिल देंगे, ऐसा सिल देंगे, ऐसा सिल देंगे। मैंने बोला यार आपका कैटलॉग हो तो मुझे दे दो, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं कि कैसा मुझे कोट चाहिए, कोट यानी ब्लेजर, आसान भाषा में तो ब्लेजर मुझे कैसा चाहिए, तो मैंने कैटलॉग लिया, टिक कर दिया, मैंने ऐसे बना दो, खत्म। तो मेरा 2 मिनट के अंदर काम क्लियर हो गया ना, कैटलॉग ऐसा ऐसा बनाना है। तो आपका पोर्टफोलियो क्लियर होना चाहिए जिससे कंपनी को लगे कि भैया इसी को रखना है। अब दूसरी चीज क्या होती है, तो चलो आप लोग सर मेरा पोर्टफोलियो भी रेडी है, पता है और कहां पर गलती हो सकती है आपसे, और आपसे गलती ये हो सकती है गाइस कि आप जहां पे अप्लाई कर रहे हो वो लोकेशन कौन सा है, ठीक है। अगर लोकेशन छोटा है तो डेफिनेटली वहां पर डिमांड भी बहुत लेस होगा, ठीक है। जब डिमांड बहुत लेस होगा तो स्वाभाविक सी बात है आपकी शॉर्टलिस्टिंग कम आएगी। दूसरी चीज, मान लो मैं अभी प्रयागराज में हूँ, ठीक है, और मैं बैंगलोर का किसी लड़के को हायर करूँ अपनी कंपनी में, बैंगलोर सबसे नीचे, प्रयागराज जो हाँ एकदम कॉर्नर के ऊपर, ठीक है। अगर मैं बैंगलोर के लड़के को हायर करूंगा प्रयागराज के लिए तो मेरा नुकसान है ना, कैसे नुकसान है, वहां का लड़का यहाँ आएगा, सैलरी उसको ज्यादा देनी पड़ेगी, उसको यहाँ पर सरवाइव करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि उसको अपने तरीके से फूड एंड एवरीथिंग सर्च करके खाना पीना, ठीक है। तो मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा यार यहाँ से हायर करूंगा बैंगलोर से, इससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि
कि मैं हायर कर लूं प्रयागराज का ही कोई लड़का, क्योंकि बैंगलोर वाला हो सकता है 25 मांगेगा तो ये तो 20 में है, पीएफपी काम करेगा। ठीक है, तो आप जब रिज्यूम कभी कभी बनाते हो, कहीं भी कभी अप्लाई करते हो, तो आप कहीं और का लोकेशन आपका रहता है और कंपनी का लोकेशन कहीं और का। ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आज का आपको स्टडी मटेरियल यानी सिलेबस एंड एवरीथिंग इसी ग्रुप के अंदर आ जाएगा। कई लोग सोच रहे सर जल्दी से मेरा क्वेश्चन बता दो, भाई थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा अगर आप इसको डेप्थ में समझना चाहते हैं। तो आपको क्या करने का, इस पहले हम आपकी इस गुरुकुल के अंदर ट्रेनिंग कराएंगे डेप्थ लेवल पे, उसके बाद सिर्फ मेरे ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा, आपकी खुद की स्टडी नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब आपकी स्टडी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी ट्रेनिंग के साथ, तो आपकी ट्रेनिंग होगी। ये टोटल जो हम लोग थोड़ा सा गुरुकुल के बारे में बता दूं पहले, क्योंकि कई लोग का इंटरेस्ट है गुरुकुल के बारे में जानने पक्का। तो गुरुकुल का इस 5 घंटे की पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर 1.5 घंटे का लाइव होता है, 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है और 2 घंटे का प्रैक्टिस सेशन होता है। काफी डिफिकल्ट है, ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ बट सच्चाई बता रहा हूँ, काफी डिफिकल्ट है जब डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है, बट कहते ना डेली एक्सरसाइज करने से ही बॉडी बनती है। ठीक है, नहीं वीडियो तो पॉज नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें पूरी ट्रेनिंग में 1.5 घंटे लाइव, 1.5 घंटे रिकॉर्डेड, 2 घंटे की प्रैक्टिस। 1.5 घंटे जो लाइव होगा, इसके अंदर गाइस हम डेली स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंटरव्यू में पूछा जाएगा। उसके साथ डेली आपका प्रोजेक्ट चेक करेंगे, उसमें जो गलती होगी उसको परफेक्ट करेंगे। उसके साथ आपके जितने भी Q&A होंगे वो सारे Q&A, क्योंकि स्ट्रक्चर्स इज ऑल अबाउट Q&A, और Q&A वही अच्छा पूछता है जो रोज अटेंड करता है क्लास को, क्योंकि उसी को डाउट अच्छे आएंगे, जिसको डाउट अच्छे आएंगे उसी का कंफर्मेशन अच्छा होगा। तो इस तरीके से अपनी ट्रेनिंग चलती है। अब एक एक करके पहले आपको क्वेश्चन ले लूँ, फिर जिसका इंटरेस्ट रहेगा और ढेर सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले एक बार मैं जानना चाहता हूँ आपके क्वेश्चन, जिसमें से आदित्य का पहले क्वेश्चन लूंगा, काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है इन्होंने। आप सभी हैंड रेज कर लीजिएगा, जिसको जिसको क्वेश्चन पूछना है वहां पर देखेंगे तो हैंड रेज का ऑप्शन बना हुआ है, बस कर लीजिएगा। एक एक करके सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबका कुछ समय मिला जाएगा, आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं। चलिए राजेश शर्मा आपसे स्टार्ट करते हैं। राजेश शर्मा आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए, प्रश्न से काफी। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये किस टाइमिंग क्या होगी इसकी, टाइमिंग टाइमिंग क्या होगा होगी? यूजिंग में 7 to 8:30, 7 to 8:30, सेवन टू एट थर्टी डेली यस डेली डेली मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, यस और 4 महीने के लिए। 4 महीने अगर किसी कारण हम नहीं अटेंड कर पाए तो फिर उसका 80 उसका आपको क्या बोलते हैं रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा, मतलब क्लास के तुरंत 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद रिकॉर्डिंग आ जाती है। हाँ, जैसे हम जॉब करते हैं ना, तो इसलिए। हाँ कोई नहीं, उसमें रिकॉर्डिंग आ जाती है। ठीक और है कोई जी। क्लास, और कोई? ठीक है, अभी नेक्स्ट इनका क्वेश्चन है क्या बोलते हैं कृष्णा का। कृष्णा अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, सबके क्वेश्चन हो जाए फिर हम लोग अपने मन की मैं सारी बात और डिस्कस करूंगा। अभी बात मेरी कंप्लीट नहीं है बट कई लोग का पेशेंस ना टूटे इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन है। कृष्णा वर्मा अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिए। हेलो सर। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि बीम में हम किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं जॉब में? ओके, फिलहाल तो बीम का एक अलग वेबिनार होने वाला है। ठीक है, कहो तो उसमें बोलूँ या फिर चलो तुम्हारे लिए शॉर्ट में बता देता हूँ, जब तुमने पूछा है तो बीम का एक अलग वेबिनार होने वाला है, होप सो इस वीक में ही होने वाला है। बीम के अंदर एंट्री लेने के लिए बस कई चीज़ें उससे रिक्वायरमेंट होती है, बट शॉर्ट में अगर बताऊँ तो ऑटोकैड का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, रेविट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए और नेविस और टिकला का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ऑटोकैड, रेविस, रेविट, नेविस और टिकला, अगर इनका अच्छा नॉलेज है तो आपको बीम में करियर बनाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, पोर्टफोलियो आपका जितना स्ट्रांग रहेगा उतना हाई पैकेज पाएंगे। लोग पोर्टफोलियो कब बनाते हैं? लास्ट में। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, अभी पोर्टफोलियो बनाए हो तो भी जॉब को पाओगे, उससे भी लास्ट में पोर्टफोलियो आपका तुरंत तुरंत बेहतरीन रेडी होना चाहिए। ऑटोकैड, रेविट और नेविस वर्क और टेक्ला का अच्छा नॉलेज रहेगा कृष्णा, तो आप करियर बना लेंगे। बाकी और भी बहुत ढेर सारे टॉपिक्स हैं उसके अंदर, आप हमारा सिलेबस इसी ग्रुप के अंदर मैं आपको PIM का भी भेजवा दूंगा, देख लीजिएगा। उतने टॉपिक्स अगर आपको आते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, इवन आपको ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, खुद ही कर लोगे। ठीक है चलो, और मोहम्मद कैफ, कैफ साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोशिश करिए अगर स्ट्रक्चर्स का हो तो और मजा आएगा क्वेश्चन, बट आप पूछ सकते हैं कोई भी पूछे। मोहम्मद कैफ, कैफ आवाज नहीं आ रही है, तुम्हारा माइक ऑन है बट आवाज नहीं आ रही। तो हाँ जी बोलिए।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर जैसे ब्रिजेज वगैरह में जाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रिजेस में जाना है तुमको तो एक सॉफ्टवेयर है अपना बहुत अच्छा ब्रिजेस के लिए, वो है CSI ब्रिज, ठीक है, ऑटो कैड का बेसिक नॉलेज, जी MX रोड, और एक सॉफ्टवेयर है मिडास, ठीक है, इनका नॉलेज गेन करो जी और उसकी पूरी मतलब ट्रेनिंग होती है। जी अभी तो मेरे पास ऐसा कोई नहीं जिसको मैं बता दूं कि वो उससे कर लो, ठीक है, बट उसके लिए आपको ये जो अपना बैच है ये नहीं हेल्प कर पाएगा, ये भी क्लियर है। ये बैच पूरी तरीके से RCC स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है, तो उसमें तुम कर सकते हो मेडा सीखो, CSI ब्रिज सीखो, MX रोड सीखो और कैरियर बना वो सर जैसे ये कहाँ से सीखे, मेन फैक्टर ये आ जा रहा है ये लो। ठीक है, इसका। देखो सीखने के लिए अभी मेरे पास करेंट में तो कोई सोर्स नहीं है, अगर आपको सीखना है तो मेरे टीम को आप अपना नंबर दे दीजिएगा, ठीक है, मैं कांटेक्ट करके अगर कोई अवेलेबल होगा तो मैं आपको कांटेक्ट करा दूंगा, कर लीजिएगा, ठीक है, मेरे पास अभी कोई सर्विस नहीं है टू बी फ्रेंक, जैसे मैं एकदम क्लियर क्लियर बता बात करता हूँ, ठीक है, कोई इधर उधर की बात जो है मेरे पास अभी कोई नहीं है, ठीक है, बट हाँ अगर आप नंबर दे देंगे अपने मेरे टीम को तो मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी अगर कोई पॉसिबल है तो मिल जाए तो मैं करा दूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं कोई प्रॉमिस अभी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, और ओके उसका सर रीजन ठीक। क्या होता है, उसका रीजन ये होता है, रीजन ये होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स कम है, जैसे कि अगर तुम देखोगे तो ब्रिज के मैं अगर मान लो स्टार्ट करवा देता हूँ, ठीक है, जैसे मैं से मुझे CSI ब्रिज आता है कि CSI ब्रिज इज जस्ट लाइक ए ETFs, ठीक है, उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑटोकैड आप सबको पता ही है कि लगभग हर किसी का सेम होता है, ठीक है, और ये मेरे टीम का नंबर आ गया है, आप बात कर लीजिएगा। दूसरी चीज प्रॉब्लम ये होता है कि अभी इसमें नंबर ऑफ ओपनिंग्स बहुत लेस है CSI ब्रिज, इसमें हाईवे डिजाइनिंग में है नहीं, बहुत कम है, जी क्योंकि एक डिजाइनर है वो डिजाइन कर दिया तो कंस्ट्रक्शन लंबा चल रहा है, ठीक है, डिजाइनर तो एक ही है ना, जी और हाँ ये इसमें कंस्ट्रक्शन हाँ इसमें डिजाइनर की ओपनिंग्स कम है, बिल्डिंग्स में क्या है ओपनिंग लंबा ज्यादा है, ठीक है, इसलिए मैं चल रहा मजबूरी में उसको नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, करने को कर सकते हैं बट अभी मेरे पास नहीं है, ये मेरे टीम का नंबर ग्रुप में आ गया है, तुम कॉन्टेक्ट कर लेना, हम देखेंगे अगर कोई अवेलेबल कोई करा रहा होगा तो कॉन्टेक्ट करा देंगे, ठीक है, ओके सर चलो थैंक ओके जी, मोस्ट वेलकम। चलिए सलेश्वर यू। सिंह, सलेश्वर सिंह अनिरुद्ध, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा रुक जाइए, सलेश्वर सिंह बताइए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते, सर जी ये एक चीज पूछना था आपसे एक सीनियर मेंटोर के तौर पे कि हाँ सर मुझे 5 इयर्स हो गए सिविल इंजीनियरिंग में जॉब करते हुए, हाँ रोड लाइन में मैं काम करता हूँ पुणे में सर। तो करेक्ट, सर मुझे ये पूछना था कि इसमें इसके आगे मुझे नहीं कह सर ऑफिस में मुझे कन्वर्ट करना ऑफिस जॉब के पर्पस के लिए, तो करेक्ट, सर मुझे बीम अच्छा होगा कि मुझे स्ट्रक्चर अच्छा होगा जैसे आप अभी बता रहे थे, कुछ अभी जो मैं इसके बारे में ट्रेनिंग एडवाइस कर अभी मिलेगा जो मैं ट्रेनिंग तो। कराने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत आप जिस पर्सन से आप एडवाइस ले रहे हैं सबसे पहली बात यह कि जो रहता है क्लियर रहता है, ठीक है, आपके लिए स्ट्रक्चर्स नहीं अच्छा है, जी ठीक है, स्ट्रक्चर्स अच्छा यस नहीं सर है आपके लिए, आप बोलोगे सर आप तो स्ट्रक्चर्स के लिए ट्रेनिंग कराने जा रहे हो, यस, बट आपके लिए स्ट्रक्चर्स अच्छा नहीं, रीजन बताता हूँ, रीजन ये है कि गैप में स्ट्रक्चर्स में जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, और प्लस इतनी प्रिपरेशन लगती है स्ट्रक्चर्स की जॉब में कि आप अभी के लेवल पे आप जॉब करते हुए ही उतना रिकवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि 5 साल बाद टेक्निकल चीजें भूल जाती हैं, याद ही होगा आपको कि RCC सो आपके ऊपर से गिराया होगा अभी तो करंट में मेरा जो सिचुएशन मान रहा है। जी हाँ सर आपका बोलना वो सही है सर। एक यही क्वेश्चन है कि हमने भी अपने टाइम पे कॉलेज टाइम पे जैसे आपने बोला ETETS ये सब हमने सब 5 कोर्सेज करके रखे थे, बट उसके आगे हमें कुछ मालूम ही नहीं था कि कैसे हमें जॉब पाना है कैसे नहीं, करेक्ट, इस तरीके से। देखिए आपका मैं आपको सजेशन देता हूँ, ठीक है, आप क्या करिए, अगर आपका स्ट्रक्चर्स में इंटरेस्ट है तो वेरी गुड, लेकिन स्ट्रक्चर्स में लगेगा आपको टाइम, कितना टाइम लगेगा बता दूं आपको, लगभग 1 से 1.5 साल लग सकता है, ये कड़वा सच है, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ इंडस्ट्री का आपके लिए, ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, आपको चाहिए आपका पैकेज इस समय लगभग 30 से 35 के आसपास होगा, है ना, तो अब आपको चाहिए कम से कम 40,000 की जॉब, और स्ट्रक्चर्स के अंदर 40,000 की स्टार्टिंग जॉब मार्केट में बहुत लेस मात्रा में है, जहां पर है वहां पर, जैसे दार है, दार प्रोवाइड करता है, एकदम फैक्ट मार्केट बता रहा हूँ, दार का इतना हाई लेवल का इंटरव्यू है, क्रैक करने के लिए आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, हमारे कुछ स्टूडेंट ने क्रैक किया ऑलरेडी, कुछ लोग रिजेक्ट भी हो गए, तो मुझे समझ में आया कि उसमें बहुत हार्डवर्क लगभग
आपको 1 साल की ट्रेनिंग लगेगी, या फिर खुद से सेल्फ स्टडी भी बोल सकते हो, ट्रेनिंग जरूरी नहीं है। तो इससे बेटर है, मेरा मानना मानिए, तो आप पहले व्यायाम से अपना करियर को स्टार्ट कर लीजिए, ऑफिस जॉब का जो आपका एम है, ठीक है। उसके बाद आप पार्ट टाइम में सीखिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को, फ्यूचर में आज से साल भर बाद जब भी आपका मन करे, और दोनों ही प्रोफाइल को मिक्स कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर जो है वो मिक्स लोगों का चलेगा, जैसे कि कहते हैं ना ऑलराउंडर। आप कंपनी को चाहिए होगा आज से कुछ सालों बाद ऑलराउंडर, क्यों? क्योंकि मान लीजिए मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी केवल स्ट्रक्चर्स में काम करती थी, पर अगर मान लीजिए ऐसे ऐसा हालात हो गया, इतना कंपटीशन हो गया कि अब मेरे को बीम के ही प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अब मैं अगर बीम के प्रोजेक्ट मना कर दूं तो स्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट इतने आ रहे हैं कि पर्याप्त नहीं है मेरी इंप्लॉयज के लिए, तो मेरी समझदारी क्या होगी, मेरे पास ऐसे लोग हों जो स्ट्रक्चर्स भी कर सके और बीम भी कर सके, समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप तो एक्सपीरियंस है, आपको पता ही होगा इस चीज को, है ना? ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा सेलेन, कि आपको फ्यूचर में दोनों को मिक्स करके बहुत अच्छा आप ग्रोथ करेंगे। अभी आप बीआईएम में करियर बनाइए, ये आपका जो वेबिनार है तो स्ट्रक्चर्स का है, लेकिन आपके लिए स्ट्रक्चर्स अभी नहीं अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। अभी आप बीआईएम में करिए, बीआईएम में करने के बाद जब आपको जॉब लग जाए, क्योंकि बीआईएम में जॉब जल्दी लगती है, पहले से बता दूं आपको, स्ट्रक्चर में जॉब थोड़ी लेट लगती है, बीआईएम में जल्दी लगती है, इसलिए आप क्या बोलते हैं, आपके लिए बता रहा हूँ, बाकी लोगों की जल्दी लग जाएगी, जो फ्रेशर्स हैं जो अभी अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, 1 साल 2 साल का गैप है, वो उनका बहुत जल्दी जॉब लगेगा, क्यों? क्योंकि उनका जो नॉलेज है, कंपनी का मानना होता है कि अभी भी फ्रेश होगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए बीआईएम अच्छा है, बीआईएम में जॉब जल्दी लगती है, पैकेज भी ठीक ठाक मिल जाता है, क्योंकि एमएनसी उसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो आप बीआईएम से स्टार्ट करिए, फिर स्ट्रक्चर्स में आ जाइए, यही आपके लिए सही रूट है। बाकी आप कई लोगों से अगर राय लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, जो आज का कहते हैं मार्केट बोलिए, इंडस्ट्री बोलिए, जो ही बोलिए, वो लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, बट मैं आपको एग्जैक्टली आपके प्रॉफिट की बात बता रहा हूँ, ठीक है ब्रदर? और सर एक छोटा सा एक क्वेश्चन है सर हाँ जी कि लैपटॉप मतलब हम मेरे पास लैपटॉप है सर हाँ i3 कोर प्रोसेसर का है, तो जो बीएम कोर्स के लिए कौन सा लैपटॉप यूजेबल रहेगा सर? अभी इस समय बहुत अच्छा ये देख रहा था मैं, चल रहा ना वो बिग बिलियन डेस्ट वाला, ठीक है, तो उसमें देखिए बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, आप ऐसा लैपटॉप लीजिए, मैं कोई रिकमेंड लैपटॉप का भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यही लैपटॉप खरीदो, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देखिए, उसमें हमें चाहिए 4 GB रैम और 8 GB ग्राफिक्स कार्ड, ये मिनिमम है हमारी तरफ से, और जो ग्राफिक्स कार्ड है वो तो या तो एएमडी का हो या फिर एनवीडिया का हो या फिर राइजन का हो, ठीक है, इंटेल का ना हो, बस इतना सा जान लीजिए, और कोई भी कंपनी का, ठीक है, 4 GB रैम दे दीजिए और 8 GB ग्राफिक्स कार्ड, सॉरी 8 GB रैम दे दीजिए, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड, और रैम एनवीडिया या एएमडी का हो बस, और राइजन का प्रोसेसर हो तो और और i4 कोर प्रोसेसर, i5 कोर प्रोसेसर लगेगा सर? यस यस, i5 मिनिमम है, उसके ऊपर आप जितना लाइक, अच्छी बात, ये सब मैं मिनिमम बता रहा हूँ, चलेगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा कि थैंक कौन यू सा सर। लूँ तो फिर मुझे मैसेज कर देना या फिर ग्रुप में मैसेज कर देना, हम पर्सनली बता देंगे ग्रुप में कि भैया यही वाला है, बट मेरी तरफ से ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है जिसे वो कहते हैं लोग कि यार इसमें सर का कमीशन वमीशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब होता है ना वो जो क्या करते हैं यार, जो बिल्कुल अमेजोन से प्रोडक्ट सेल करते हैं तो कुछ कमीशन मिलता है, मैं उसके बारे में जानता भी नहीं हूँ और ना बिल्कुल ही वो सब मेरा काम है, आप बस इतना याद रखिए इतनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो एफिलेट बोलते हैं उसको, सॉरी ठीक मुझे याद है, एफिलेट बोलते हैं ना, एफिलेट मार्केटिंग, मेरा ऐसा कोई एफिलेट नहीं है, ठीक है, है जस्ट सर, जो आपने पूछा मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भैया, थैंक क्या बोलते हैं, डीके ग्लासेस, क्या बात है, तुम्हारा क्लास चलता है डीके क्लासेस रोहतास, यू। अपना माइक ऑन कर लो डीके और अपना पूरा नाम बता दो, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी लूँ मैं, एक क्वेश्चन लेट लगा देता हूँ। सैमुल्ला अपना डाउट, अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर मैंने तो आपसे कोर्स भी लिया था पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मैं जॉब भी कर रहा हूँ अभी बीआईएम में, अरे बहुत है, है ना। अच्छा तो मैं ये पूछना चाहता था, मैं ना ये सोच रहा था कि है ना स्ट्रक्चर का भी मुझे कंप्लीट नॉलेज हो, तो इसीलिए मैं स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मेरा पहले से ही रुझान रहा है कि हाँ स्ट्रक्चर में आने के लिए ना, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि हाँ स्ट्रक्चर का कुछ हो जाए ना तो थोड़ा सा मेरे लिए और प्लस पॉइंट हो जाएगा। तुम सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो स्ट्रक्चर्स ग्रुप में आने के लिए, रीजन ये है कि अब तुम्हारे पास क्या है, तुम पैशनेट हो इसके लिए, और स्ट्रक्चर्स में आना मतलब पैशनेट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई एक सैलरी कितनी मिलेगी, अरे यार सैलरी तो नॉलेज पे डिपेंड करता है, स्वाभाविक सी बात है ना, करेक्ट ठीक है। तो अब तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा एम है सीखना स्ट्रक्चर्स को,
और ये मेरी गारंटी है, आपको पूरी कॉन्फिडेंस ला दूंगा आपके अंदर, ठीक है। बाकी तुमको सब कुछ पता है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इसके बारे में। तुम एकदम बेस्ट टाइम पर बेस्ट डिसीजन ले रहे हो, बोला तुम करो स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल मैं आ जाओ तुम, ठीक इसमें है। ना मेरा एक चीज और कंसर्न है, कंसर्न ये है कि हाँ मेरा ना ऑफिस रहता है 9 to 6 रहता है, ठीक है, करेक्ट करेक्ट। तो उसमें उसमें कैसे हो पाएगा ये? क्यों तुम साथ में घर के लिए भी आ जाते हो? वही 7 साढ़े 7 तक लेट लेट से, ये घंटे लग जाते देखो हैं जाने में सात से ऑफिस, मैं थोड़ा आप सा दूर सात से रहता हूँ। साढ़े आठ क्या होते हैं ना, 7 से 7:30 तो हाँ असाइनमेंट चेक होते हैं, क्लास 7:30 से ओके अच्छा चलती है, तो जब तक असाइनमेंट चेक होगा तब तक तुम आ ही जाओगे, हाँ बिल्कुल, ठीक है। हार्डली 8 बजे तो तक मैं आ जाऊंगा, कभी लेट हाँ वेट होता है तो 8 बजे तक आता हूँ तो मैं। फिर रिकॉर्डिंग तो रहेगी ना उसकी, ठीक है। जो कुछ छूट गया उसका रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही ना तुम्हारे पास, हाँ हाँ वो तो है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, तुम कर सकते। और एक चीज और सर पूछना था, जैसे अगर बीम में अगर काम कर रहे हैं तो बीम में किस किस प्रोफाइल पे ज्यादा एक्सपोजर हमें मिलता है? देखो बीम मॉड्यूलर की तो लिमिटेड होती है क्वालिटी, ठीक है। बीम हाँ कोऑर्डिनेटर से एक अच्छा फॉर्म आने लगता है सैलरी के फॉर्म में, अगर तुम बोल रहे हो तो। बीम कोऑर्डिनेटर, बीम मैनेजर जो होते हैं ये अच्छा पैसा कमाते हैं, क्योंकि ये काम करवाते हैं। और जब आप उस लेवल पे आ जाए कि काम करवाने लगे आप, तो आप समझ जाइए आपकी उन्नति हो रही है, ठीक है। तो बीम कोऑर्डिनेटर, बीम और बीम मैनेजर जो है वो अच्छी सैलरी गेन करते हैं और उनका ग्रोथ भी अच्छा है एक्चुअली। अभी जैसे मैं काम कर रहा हूँ ना, इसमें मैं तो मॉडलिंग का आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर करता ही हूँ, ठीक है, कभी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग फायर फाइटिंग सभी करवा लेते हैं, तो सभी मैंने सीख लिया ऑफिस में देख देख करके, तो बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें भी मैं कर देता हूँ। और बाकी सीट वर्क भी हो गया है, सीट वर्क का काफी अच्छा काम आ गया, सारी चीजें सीट वर्क पे ज्यादा काम करता हूँ वहां पे। कोई मुझे बोल और रहा था कि मैं उसको चाहिए था एक बंदा जिसको आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमबीपी तीनों चाहिए, कल ही मैसेज किया था मुझे ना। तुम क्लास के बाद पर्सनली मैसेज कर देना अपना जो कुछ वर्क होगा, मैं सर्च करता हूँ, अगर रहेगा उसका मेल, कोई मुझे परसों नरसों ही बोला है, ठीक है, तो तुम्हें ओके रिकमेंड कर दूंगा मैं। अच्छी कंपनी थी वो, एटकिंस थी क्या शायद, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर ओपनिंग है, और मेरे पास उस समय कोई कैंडिडेट नहीं था जो जिसके पास एक्सपीरियंस हो उसके रिगार्डिंग, मैंने शायद रिकमेंड नहीं किया, फिर समय भी नहीं मिला। तो मुझे मैसेज जरूर कर देना, हो सकता है काम हो जाए कुछ अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैंने जो पहले पोर्टफोलियो बना रखा है ना वो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है, अभी करेक्ट पोर्टफोलियो में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ये सारी चीजें नहीं डाला है मैंने। थोड़ा बहुत और डाल दो, सीट वर्क भी पहले नहीं करता था मैं, तो पहले तो सिर्फ मॉडलिंग मॉडलिंग ही सीखा था, तो सीट वर्क का भी अभी हो गया, सभी चीजें जो ना अच्छे से अब आ गई है सीट वर्क में, बहुत तो बढ़िया। अभी तो मैंने एक हाल फिलहाल में यहाँ पे डेली के ही एक प्रोजेक्ट करा हुआ था, यहाँ का रेसिडेंशियल टावर का प्रोजेक्ट था, तो उसमें सारी चीजें डिटेल करके दिया था मैंने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो ठीक है शमोला। तुम क्या अभी तक करो, तो ठीक तुम पहले ना अपडेट करके मुझे पोर्टफोलियो भेजो, ठीक है। वो कंपनी का है। मैं याद करके निकालता हूँ कौन, अभी इतना मैसेज रहता याद नहीं कि उसने भेजा था, बट भेजा जरूर है, परसों परसों की बात बता, ठीक है। ठीक है, मैं और अपडेट करके भेजूंगा। हाँ, और तुम आंख बंद करके आ जाओ, तुम्हारे लिए स्ट्रक्चर्स मैं तुमको एकदम हटा दूंगा, और ये 4 महीने तुमने मेहनत कर लिया ना, तो तुम स्ट्रक्चर्स में ऐसे हो जाओगे, तुम फ्रीलांसिंग काम भी करना चाहो तो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ये डेफिनेटली मैं ज्वाइन करूंगा। चलेगा। ओके शमला, इसका इसका डिटेल मुझे चाहिए होगा ना कि फी स्ट्रक्चर क्या है, हाँ, कितना क्या ये कोर्स देखो का ना, ग्रुप तो ग्रुप में थोड़ा देखो सा एक नंबर आ गया है मेरी टीम का, जस्ट उनसे कॉल करके बात कर लो, तुरंत तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक ठीक है है। सर, थैंक यू। ओके, और से फी स्ट्रक्चर इन्होंने पूछा बता दो, इसका फी है 20,000, और क्या बोलते हैं पे कैसे करना है इस नंबर पूछ लो, क्योंकि उसका कुछ प्रोसेस बदल चुका है, कैसे क्या है मुझे एक्सैक्टली याद नहीं है सर, बताओ तो, ठीक है। ये याद है कि आप 5,000 पे करके आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो, और बाकी ये नंबर पे बात करके अपना कन्फर्म करना। चलो नेक्स्ट है भैया, ओके ओके जी, अरुण कुमार है, उसके बाद अरुण सैनी है, पहले अरुण कुमार जी का हो जाता है फिर अरुण सैनी जी से पूछते हैं। और किसी को हैंड रेज करना है कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अरुण कुमार नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार सर। सर नमस्कार जी। मैं 2016 का पास आउट हूँ सर, ओके okay. और उसके बाद सर मैंने वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, गेट का प्रिपरेशन किया 2019 तक, करेक्ट और उसके बाद कोरोना के बाद सर मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया करेक्ट हाईवे स्ट्रक्चर हाईवे करेक्ट में। तो सर अभी मैं एज ए क्यूएस वर्क कर रहा हूँ, रोड ओके वर्क में, मैंने रोड वर्क में भी किया, बिल्डिंग में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में भी किया, हाँ और अभी करंटली रोड वर्क में क्यूएस का वर्क देख रहा हूँ क्यूएस देख लो। ओके जी। और हमारा सर ये पहले से ही था, मेरा मतलब कि एम था कि हमें एमटेक करना स्ट्रक्चर में, बट कुछ कंडीशन की वजह से एमटेक नहीं कर पाए अभी तक,
लेकिन मेरा मतलब कि फुल्ली ये 100% था कि मेरे को स्ट्रक्चर में जाना है, बट नहीं जा अभी पाए हैं अभी फिलहाल अभी अब। अभी क्या चाह रहे हो तुम? स्ट्रक्चर्स में कैरियर बनाना चाह रहे हो? जी, और पूछना नहीं चाहिए बट तुम्हारा सैलरी का रेंज क्या है अभी? लगभग कुछ आईडिया बता दो, कितना प्लस है? 25 प्लस है? अभी तो सर, अभी तो जो करंट सैलरी है वो 50 में है सर। 15 में? तब आसान है, जी तब आसान है। आसान क्यों बताएं? आसान जी इसलिए है क्योंकि अब तुम्हें ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं नहीं भैया मुझे 40,000 एक साथ चाहिए ना। जी तुम्हारा अभी ये लेवल है कि तुम 15,000 20,000 22,000 भी पाओगे तो चलेगा, है ना। जी और इतना मिल सकता है स्ट्रक्चर्स में स्टार्टिंग में, ठीक है। और स्ट्रक्चर्स का जो जी सैलरी स्लैब होता है, कई लोग क्वेश्चन मैसेज में भी पूछे, बता दूं सैलरी स्लैब गाइस डिपेंड करता है किस लेवल की कंपनी का इंटरव्यू आप फोड़ रहे हो। अगर आप इंटरव्यू बहुत बेसिक लेवल की कंपनी का फोड़ रहे हैं तो आज का जो जो सैलरी स्लैब चल रहा है वो 15 से 20 हज़ार चल रहा है। अब वो 15-13 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, और ये जी सबसे छोटी कंपनी की बता रहा हूँ, फ्रेशर्स का बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मिड जी लेवल की कंपनी, मिड लेवल कंपनी क्या होती है, उनका एक ब्रांच दिल्ली में है, एक ब्रांच लखनऊ में है, एक ब्रांच कहीं और है, इसको बोलते हैं मिड लेवल की जी कंपनी। तो मिड लेवल की कंपनी में जिसमें सैलरी रेंज चल रहा है वो 20 से 25 हज़ार चल रहा है, 20 से 25 हज़ार। और जो एमएनसीज है जिनका एक ब्रांच यहाँ एक ब्रांच जैसे रेमबॉल है, इस लेवल की कंपनियां हैं, ठीक है। इन कम जी एक वाल्टर पिमोरे है, इस लेवल की जो कंपनियां हैं उनका जो सैलरी रेंज चल रहा है वो 25 प्लस चल रहा है। वो 30 भी हो सकता है, 45.6 भी होना चाहिए, हो सकता है 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। तो ये सैलरी रेंज अलग अलग चल रहा है, तीनों का बता दिया। लगभग बीम का भी सेम है जो स्ट्रक्चर्स का है। तो अब तुम्हारे लिए आसान इसलिए बनने में होता है क्योंकि तुम अभी कैसे कि तुम्हारा अभी सैलरी उस लेवल पे है कि तुम स्विच करने के लेवल पे हो। तुम 12 के जगह 14, 15 के जगह तुम्हें 14 मिल गया तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं। तुम्हारा तो ड्रीम जो है वो स्ट्रक्चर से, राइट। तो तुम इसमें जी कैरियर हाँ बनाओ, ठीक है। तुम इसमें करो अच्छे से, मेहनत थोड़ा सा ज्यादा तुमको करना पड़ेगा। रीजन तुम्हारे लिए अच्छा भी है। अच्छा क्यों है कि तुमने गेट की तैयारी करके तुम्हारा टेक्निकल भी स्ट्रांग हो गया होगा। हाँ मेरा सर, हमारा वो स्टार्ट कॉलेज लेवल से ही आरसीसी और सोम वगैरह में इंटरेस्ट फुल है। मैथमेटिक्स का मैं खुद पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज में टीचिंग भी किया हूँ, जब तो तुमने गेट बोला मैथमेटिक्स से तो ही। गेट तुमने बोला ना तभी मैं आइडिया लगा दिया ना कि तुम्हारे लिए क्या सही हो सकता है, जी तो वही आया तुम्हारे सामने से। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे जी लिए बेहतर है, तुम कर सकते हो। बस इतना ध्यान देना कि स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल होगा, थोड़ा ज्यादा तुमसे एक्सपेक्ट कंपनी क्यों करती है, तुम्हारा कैरियर गैप की वजह से, ठीक है। और वो स्टार्टिंग की छह जी महीने का ही प्रॉब्लम है, उसके बाद तो तुम्हें कोई पकड़ने से नहीं पकड़ सकता है, ठीक है। तो ले लो डिसीजन, तुम कर लो, ठीक है। अभी नहीं करोगे तो बाद जी में कर नहीं पाओगे। ये बड़ा पंगा ये है ना हम लड़कों के साथ कि 30 की एज कंप्लीट हुई ना फिर आपके पास मुड़ के देखने का जगह नहीं रहेगा, फिर आप जी इसी में नहीं चल रहा है। ये मेन मेन इशू यही है मैं सर। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारा जो समय है वो विवाह के करीब आ रहा होगा, नहीं, है ना। एक्चुअल हमारा इंटरव्यू भी दिए थे पेट्रोकॉन में, हुआ था हमारा स्ट्रक्चर में ही, हाँ बट वो सैलरी इतना कम था कि हम उस टाइम एग्री हो ही नहीं पाए अंदर से। हाँ यही यही प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने पहले क्लियर किया था, किसी ने पूछा, सेलेस ने पूछा था, सेलेसर ने पूछा था, मैंने तो बता किया ना उसको कि उसका सैलरी बड़ा हो गया होगा, मेरे को आइडिया लग गया था। तो अभी तुम ले सकते हो बट आज से 2 साल बाद तुम पीछे मुड़ ही नहीं पाओगे। फिर उसी में खुश रहना चाहे रोते रहना एक ही चीज है, ठीक है। तो ले लो डिसीजन, जितना जल्दी ले लोगे अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और ओके ओके जी ओके सर, चलिए। एंड ये सर एमटेक के लिए प्रेफर करें सर कि बीटेक पे ही चलेगा ये? बीटेक पे ही कर लो अभी के लिए, ठीक है। अभी एमटेक करोगे 2 साल लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जी फिर तुम कहीं कर पाओगे। अब तुम जिस सैलरी रेंज में हो तुम अभी एमटेक करने के लिए अफोर्डेबल भी नहीं होगा, टू बी फ्रैंक, अगर घर से ना ले तो, है ना, जी जी ठीक है। बिल्कुल भाई मैं देखो, मैं मिडिल क्लास आदमी तो मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करता हूँ, मतलब शॉर्ट कट वाली बात करता हूँ। जी तो बिल्कुल हम बिल्कुल सर, हाँ आपसे घर एग्जैक्ट बातें करता हूँ। हाँ बिल्कुल तो घर वाले नहीं देंगे, कहेंगे कि भैया हम 2 लाख रुपए तुमको दे, इतना नहीं, इंजीनियरिंग में घर देख रहा वाले हूँ। नहीं देंगे हाँ तो अपने से करने के लिए डिफिकल्ट हो सर। जाएगा, ठीक है। तो हाँ, खुद बेहतर से जो ये करना है, है खुद से। हाँ तो बेहतर ये है कि पहले स्ट्रक्चर्स में जॉब ले लो, ठीक है। उसके साथ एमटेक कर लो तो कोई बुराई नहीं है। एमटेक करने के फायदे क्या है? एमटेक करने के फायदे ये है कि डायनेमिक्स एक सब्जेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग देखो, जी अभी थोड़ा टेक्निकल वे में देखो, एमटेक मतलब है तुम्हारे नॉलेज में इनहेंसमेंट। और जी हमारे इंटर्नशिप में भी तो यही हो रहा है, नॉलेज में इनहेंसमेंट, ठीक है। जी तो तुम कर सकते हो एमटेक, कोई एमटेक में करने बुराई नहीं है, बिना अच्छा है क्योंकि उसमें डायनेमिक्स एक सब्जेक्ट होगा। आप अगर सच में पढ़ रहे हो तो पेपर पास करने वाला नहीं, वो फिर मत करो, जी
मेरा मानना है, ठीक है। अगर आप वहां पर डेप्थ लेवल पे एंजॉय कर रहे हो कि डायनेमिक्स में ये कैसे हो रहा है, स्वे क्या होता है, ठीक है, सेकेंड डिग्री क्या है, उसके बाद तुम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में समझते हो कि रैप्चर क्या होता है, कैसे अर्थक्वेक निकलता है, इसके वेव्स के टाइप्स क्या होते हैं, डेप्थ में जब मजा लेते हो उसका, उसको बोलते हैं एमटेक। ये आजकल वाला एमटेक अलग हो गया है, ऑनलाइन व्हाट्सएप पर ही एमटेक हो जा रहा है आजकल, ठीक है। कई लोग करते हैं, मैं तुमको बताऊं करंट में जो एमटेक चल रहा है कई यूनिवर्सिटीज का, वो जो लोग कर रहे होंगे मैसेज करना, अगर सच बता रहा हूँ कि नहीं, व्हाट्सएप पे ही एमटेक हो जा रहा है। अभी किसी ने मुझे व्हाट्सएप अभी कॉल किया 5 बजे के आसपास, उसने बताया, उसने तो खुद ही बताया कि पैसे से प्रोजेक्ट्स दे करवा दे रहे हैं अभी। ये मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट फैक्ट है कि अभी लोग पैसे से एमटेक कर ले रहे हैं, वो गंदी चीज, ठीक है। तो तुम कर लो अरुण, अभी तुम्हारे पास समय है, तुम कर सकते हो करियर स्विच। आज से 2 साल बाद नहीं कर पाओगे, परेशान रहोगे, उसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलेगा, ओके। अब अरुण सैनी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, एक एक करके कई लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, बस थोड़ा सा समय देना, सबके मैसेज खत्म होने के बाद ही क्लास लेफ्ट होगी, बस समय जरूर लग सकता है। अरुण सैनी, ठीक है, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग अरुण। सर जी, मेरा जो आप जो मैं आपके पिछले बैच में स्ट्रक्चर वाले बैच में नदी रिकॉर्डिंग सेशन में लिया था जी मैंने, आपने ऑल इन वन लिया हुआ है कुल मिला के, कई हाँ लोगों जी, हाँ जी। तो उसमें ना जी स्टैट प्रो भी है जी, लेकिन अब जो हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं जिस सर पर मैं जॉब लगा हूँ, वो कनेक्ट एडिशन यूज कर रहे हैं जी, करेक्ट। तो वो प्रॉब्लम आ रही है जी उसके अंदर ना मुझे जी, मतलब मैं उसको अच्छी तरह से ला नहीं पा रहा हूँ, तो कैसे वो भी अब। देखो, स्ट्रक्चर्स गूगल में अभी हमने कनेक्ट एडिशन को इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं किया हुआ है, ठीक है। कनेक्ट एडिशन का एक प्रॉब्लम क्या है कि कनेक्ट एडिशन बहुत कम कंपनियां यूज कर रही है अभी करेंट में, ठीक है, क्योंकि बहुत अब सेंड में कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। और क्या बोलते हैं, रिया आप या फिर आस्था आप या कोई भी स्क्रीन आप ग्रुप में आप लोग सिलेबस भेज दीजिए प्लीज, ठीक है। बाकी मैं भी भेज दूंगा, अगर नहीं भेजा रहेगा तो इनकी बात बता देता हूँ। तो अभी कनेक्ट वर्जन को बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं सैनी, ठीक है। बट अगर आप लोग चाहेंगे कि क्या बोलते हैं सर, थोड़ा सा कनेक्ट एडिशन को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सारे फीचर सेम है, मैं खुद चला चुका हूँ कनेक्ट वर्जन, ठीक है। तो आपके गुरुकुल के अंदर ही 1-2 दिन की क्लास दे दूंगा, आप कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है, ठीक है। स्टेप्स केवल स्टेप्स सारे सेम है, केवल चीजें अगल बगल हो गई हैं। तो स्टार्टिंग क्या होता है, जैसे होता है ना कि एक अपन एक गाड़ी चलाते हैं, मान लो बुलेट चलाते हैं, ठीक है, रॉयल एनफील्ड की गाड़ी चलाते हैं। अब उसके बाद अगर आपको कोई R15 दे दे, ठीक है वही लगभग फीचर्स, ठीक है, गियर उसमें भी है, गियर उसमें भी है, ठीक है। थोड़ा सा उसमें क्या हो जाएगा, गियर लगाने का स्टाइल बदल जाएगा, उसमें ब्रेक मारने की स्टाइल थोड़ी बदल जाएगी, थोड़ी सीटिंग पोस्चर बदल जाएगा, तो फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ फर्क है गाड़ियों का, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो गुरुकुल के अंदर जो आपकी 4 महीने ट्रेनिंग हो रही है इसमें कर लेंगे, बट मुझे लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हार्डली 1 हफ्ते का स्ट्रगल रहता है, अगर बहुत थोड़ा कम प्रैक्टिस है तो 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते में आपको पूरा समझ आने लगता है कि क्या चीज किसके अंदर है। मैं बताऊं मैंने कैसे सीखा, मैं मेरे कंपनी में भी स्टैटपो का V8i सीरीज यूज करते थे, मुझे मेरी कंपनी की तरफ से भेजा गया एयरफोर्स की, आज एयरफोर्स डे है इसलिए मैं अचानक से याद आ रहा है, एयरफोर्स का एक उनका एक पूरा प्लेटफॉर्म था जिसपे उनको लैंडिंग वगैरह करानी है, तो वो लोग के पास अपना खुद का सॉफ्टवेयर था, वो भी कनेक्ट वर्जन था। मैं देख के हैरान हो गया कि मैं फ्रेशर था, फ्रेशर नहीं था, एक्सपीरियंस तो हो गया था मेरे पास, हाँ, क्योंकि लगभग 2017-18 में आया था, ये तो उसमें एकदम लेटेस्ट लेटेस्ट कनेक्ट चल रहा था, उनके पास था, तो उन्होंने मुझे दिया, तो मेरे को समझ में आया सारे ऑप्शन है कहाँ पर, मैं खोजने बैठ गया। तो फिर मैं सोचा अभी तो गड़बड़ हो रहा है, फिर मैंने उनको बोला कि आई डू दिस टुमारो, ठीक है, टुडे आई बिजी विद माई करेंट प्रोजेक्ट्स। तो मैंने उनसे 1 दिन का समय मांगा और बीच में संडे ले लिया, और फिर मैंने उसको पूरा इंस्टॉल किया, हार्डली 2 से 3 घंटे बाद मेरे हाथ बैठ गया, उस समय के लिए मैंने उनको अपडेट कर दिया था, बट अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, ओके जी, हाँ जी, हाँ जी ओके जी, मोस्ट वेलकम। सर जी, एंड ये हाँ जी, एक PDF थी वो मैं क्लासेस लगा रहा। अब सर जी, जैसे आप मैंने आपका पहले वाला बैच खरीदा हुआ था ना सर जी, हाँ पहले वाला बैच में रहा हूँ मैं, तो मैं अगर इस वाले बैच में लेता हूँ तो इसमें डिफरेंस है जी दोनों में? यस यस, डिफरेंस मतलब वो बैच नहीं है, पहली बात तो जो आपने लिया वो बैच नहीं है, वो जस्ट एक रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है। वो रिकॉर्डेड सेशन इसमें भी पढ़ाया जाता है,
ठीक है, बैच लाइव होता जी है जो कि 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, और पीछे 4 महीने पहले एक और स्टार्ट हुआ था वो अभी कंप्लीट हो गया है। तो ये बैच नहीं था, वो रिकॉर्डेड लेक्चर जिसको हम लोग वॉल्यूम वन के नाम से जानते हैं, डेफिनेटली वो बेस्ट है। लेकिन अगर आप लाइव, लाइव मतलब होता है डेली मैं प्रेजेंट रहूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़ के आओगे, प्लस लाइव उस पर लेक्चर भी वॉच करना पड़ेगा, वो लेक्चर वही वॉच करना पड़ेगा जो तुम लोग तुमने ऑल इन वन के अंदर वॉच किया है। ठीक है ओके, वो सर, ये ट्रेनिंग का एक एक पार्ट है ना, जो आप कर रहे हो। ठीक है ओके सर, सर एक पीडीएफ थी सर ना मेरे डायनेमिक्स की, जो करेक्ट आप एमटेक की बात कर रहे थे, वो पीडीएफ मुझे क्लियर नहीं सर जी, एक बार वो ठीक क्लियर करवा दो सर जी का। ओके चलेगा, वो ऑलरेडी इसके अंदर पढ़ाया जाता है। उस पीडीएफ को पढ़ाने के लिए लगभग 10 दिन का समय लगता है, बहुत बड़ा है, 270 पेज वाली पीडीएफ की बात करो ना, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी उस सर जी, उसमें 10 दिन का समय लगता है। ऑलरेडी हम लोग कराते हैं, ठीक है, कुरुकुल के अंदर वो फिर से होता है, उस पीडीएफ का भी रिवाइज वर्जन है, उसमें और भी चीजें ऐड की जाती है, इसीलिए गुरुकुल थोड़ा सा स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ रहता हूँ, तो जिस टॉपिक के बारे में, जिस पॉइंट के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत आप उस दूसरे दिन पूछ लेते हो आके, तो फ्रेश फ्रेश कंटेंट मिल जाता है, ये एडवांटेज इसका। चलो एक एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ ठीक सबके, अरुण बस इतना रखते हैं जिससे सबका क्वेश्चन हो जाए। हाँ जी सर जी, ओके बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट है मुकेश का क्वेश्चन, मुकेश जल्दी जल्दी पूछ लो दोस्त, मुकेश। हेलो, हाँ जी बोलिए, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ सर, एक्चुअली मैं बीए के लास्ट ईयर में हूँ अच्छा और मैं बाहर से डिग्री कर रहा हूँ, मतलब पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ और डिग्री भी करता हूँ। तो करेक्ट, एक्चुअली स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में मेरे को अभी बेसिक ऑफ पूरा, मतलब सोम बीम सब कुछ, बेसिक का स्ट्रक्चर सब बता दोगे कि कैसे, वो यस पूछना था। देखो मैं ये सब कुछ बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है, मैं सब पढ़ा नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत ओके बड़ा है, ठीक ओ है, हाँ वही मैं तो, बहुत नोट्स दे बड़ा है। दूंगा, मेरे पास सारे नोट्स हैं, ठीक है, मैं ऐसे कमिटमेंट कर दूं कि नहीं नहीं मैं सब पढ़ा दूंगा, कैसे पढ़ा दूंगा 4 महीने बताओ, नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए मैं नोट्स दे बराबर दूंगा, पढ़ना तो खुद से पड़ेगा, मैं टॉपिक दे दूंगा कि इस टॉपिक को पढ़ना है तो वही टॉपिक पढ़ लो, तो मेरे गाइडेंस में चीजें आसान हो ठीक जाएंगी, ठीक है, मेरे गाइडेंस में वो चीज आसान हो जाएगी कि उसमें उस सोम के अंदर जो पढ़ना है बस उतना पढ़ो जो इंटरव्यू को आएगा, आरसीसी में उतना ही पढ़ो जितना मैं बता दूं क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सर, तो ये चीज मैं कर देता हूँ। नोट्स आपको चाहिए, नोट्स भी मेरे पास से ले लीजिए, पढ़ना आपको पड़ेगा एट द एंड। हाँ, उसमें से कुछ स्पेशल टॉपिक्स है जिनको इंटरव्यू में पूछना फिक्स है, बराबर वो सर, मैं लाइव क्लास के अंदर ही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, चलेगा। ओके थैंक ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? यू सर। ओके जी, बस वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या बोलते हैं, मुकेश का हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ हो गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाज का, ठीक है, नवाज देसाई आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ जी नवाज बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर थोड़ा सिलेबस थोड़ा बताएंगे कैसा क्या रहेगा, मतलब स्ट्रक्चर में अच्छा थोड़ा। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, इन्होंने क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो 20 मिनट सब मैं सोचा था ग्रुप में दे दूंगा, बट थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए गाइस, जो अपना गुरुकुल रहता है, ठीक है, ये मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रीफर करता हूँ उस ग्रुप में आने के लिए जो डेडिकेट, जिनको है कि नहीं मैं मुझे तो कुछ भी करिए सर, आप बस मुझे एक रास्ता दे दीजिए, मैं जितना मन करेंगे जितना बोलेंगे उतना मैं पढ़ लूंगा, तो उनके लिए ही मैं गुरुकुल में उनको ही चाहता हूँ कि वही लोग आए, और मुझे चाहिए कि भाई केवल 30 लोग आए, 30 से ज्यादा लोग नहीं, क्योंकि फिर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, और मुझे ये मेरा एक ऐसे मेरे पैशनेट चीज वाली चीज है, तो इसलिए 30 लोग ही मेरे लिए पर्याप्त है। तो जो सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल है, जस्ट 5 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ फास्ट फास्ट। वैसे इस गुरुकुल का बस एक ही एम है कि आपको एक अच्छी ऑफिस जॉब मिल जाए, अच्छा लाइफ स्टाइल मिल जाए, माइक ऑफ कर देना प्लीज, देसाई मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप अगर ट्रस्ट करके आ रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर चीज दे सकूं। बात करें सॉफ्टवेयर के सिलेबस की, घर पे बताना पड़ेगा तो आप बता दीजिए भाई, ऑटो कैड, स्टेट प्रो, आरसीडीसी, ईटैब, सेफ, मैनुअल, एक्सेल, रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर और ऑल स्ट्रक्चर्स कॉन्सेप्ट एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, ये मुख्य रूप से सिलेबस होता है, बट मेरी आदत है मैं सिलेबस को जीरो समझता हूँ, मेरा मानना यह है कि जो आपकी जरूरत है, ये तो सॉफ्टवेयर तो हम सीखेंगे, बट जो आपकी जरूरत है कंपनी के लिए, उस जरूरत को पूरा करना मैं गुरुकुल के अंदर उसको प्रिफरेंस देता हूँ सिलेबस में। मान लीजिए जैसे इन्होंने बोला कि भाई सर स्टेट प्रो कनेक्ट आप बता देंगे क्या, वो मेरा पहला प्रिफरेंस होगा कि भाई इसको जरूरत है तो मुझे बताना है, ठीक
ठीक है। तो इन सब के साथ वो सारी चीजें बताई जाएंगी जिसकी आपकी जरूरत पड़ेगी। मुझे लगेगा ये आपका वीक है, मुझे लगेगा आपका ये टॉपिक वीक है, उस टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वीकेंड पॉइंट पर मैं ज्यादा फोर्स करता हूँ, क्योंकि इंटरव्यूअर वहीं पर आपको परास्त करता है जहां पर देखता है कि आप कमजोर है, और मैं वहीं पर काम कराना चाहता हूँ जहां आप कमजोर है, ठीक है। तो ये सिलेबस गाइस, इसके बाद अपना मेन एम क्या है, आपका बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया जाए। कॉन्फिडेंस इज कम फ्रॉम नॉलेज, जब भर भर के आएगा तो कोई टेंशन ही नहीं होगा। मेरा फोकस है कि भाई हर एक स्टूडेंट पर मैं पर्सनली फोकस कर सकूं गाइस, इसलिए मैं ऐसा नहीं कि 100 150 300 लोग आ जाओ, मैं देख भी ना पाऊँ कौन आया कौन चला गया, ये नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर डेली टास्क मिलता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ द सक्सेस, तो यहाँ पर डेली टास्क सबमिट करना पड़ता है। और जो टास्क सबमिट नहीं करता है, जो प्रोजेक्ट्स नहीं करता है, उसको सर्टिफिकेशन भी नहीं देते हैं, तो इसलिए ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन में पूरा करवा दूंगा, मेरा टास्क है आपके क्या बोलते हैं इंटरव्यू के फियर को तो हटा दूंगा, क्योंकि हर वीक यहाँ पर मैं आपका मॉक लेता हूँ, मॉक से आपको पूरा इंटरव्यू का शो मिल जाएगा। वी विल गाइड यू द बेस्ट कंपनी, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी अच्छी कंपनियां हैं, कैसे वहां पर इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। जॉब की मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं, नॉलेज की मेरी तरफ से पूरी गारंटी है। गारंटी कैसी नहीं है, गारंटी इन द सेंस अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो कोई कंपनी आपको क्यों रखेगी, स्वाभाविक सी बात है। मैं हूं या फिर क्या बोलते हैं कोई भी बोलेगा, मेरे बोलने से कोई जॉब पे नहीं रखता गाइस। इंटरव्यू में आपका लेवल अच्छा दिख जाता है तो आपको कोई भी इंटरव्यू रख लेगा, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पर रूल्स दिए हुए हैं कि क्या क्या होता है गुरुकुल के अंदर, आप घर बैठ के पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर मॉक इंटरव्यू होता है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का पूरा नॉलेज मैं आपको दूंगा, डेली आपको वीडियो दूंगा वॉच करने के लिए, डेली लाइव भी पढ़ाऊंगा, डेली आपको टास्क सबमिट करके मैं बताऊंगा कहाँ गलत कर रहे हो कैसे सही कर सकते हो, ये सारी चीज के प्रोसेस है। अगर आपको हमारे एम में जोड़ना है, एम हमारा ये है कि आप अच्छे तरीके से एक ऑफिस जॉब पा सके, तो आ जाइए। फिक्स है कि अगर आप अच्छे से मेहनत कर दिए तो आपको मैं स्ट्रांग से स्ट्रांग बनाने की पूरी प्रयास करूंगा। मेरी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि 100% मैं दूँ, हो सकता है 100% ना दे पाऊँ तो 99% में कहीं दाग नहीं लगाऊंगा, ये मेरी काम। आप भी ऐसे ही कुछ प्रयास करना, आपसे मैं कमिटमेंट चाहता हूँ कि आप आइए तो 80% मिनिमम हमको दे दीजिए, बस 80% टास्क, 80% अटेंडेंस, 80% परफॉर्मेंस, इतना आप दे दीजिए, मेरे लिए पर्याप्त है। और इसका रिजल्टेंट होगा कि आपके पास जॉब होगी ही होगी, ये फिक्स है। चलिए आप बोलेंगे सर थोड़ा डेप्थ में सिलेबस बताएंगे क्या कि ऑटोकैड में क्या है, रेविट में क्या है, तो आपको ये पीपीटी ग्रुप के अंदर मिल जाएगी जिसमें हर एक टॉपिक दिया हुआ है कि क्या क्या पढ़ते हैं। इस टॉपिक्स में से एक भी कम नहीं होगा, 2 4 10 ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो अपना ऑटोकैड थोड़ा अलग तरीके से ये ऑटोकैड का सिलेबस है, ये स्टैट प्रो है, अपना स्टैट प्रो भी थोड़ा अलग है, ठीक है, कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। अदर्स इन द सेंस कोई कंपटीशन नहीं है किसी से, ठीक है, जस्ट मतलब कि जो हम सीखते हैं यूट्यूब पे इंस्टीट्यूट्स में उससे थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा। ईटीएफ सेफ में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, घर पे एक बार पढ़ लीजिएगा क्या क्या चीजें हैं, कोई डाउट रहे तो मेरी टीम के माध्यम से आप मुझसे डायरेक्ट या पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेफर स्लैब के बारे में पढ़ते हैं, मैट फुटिंग के बारे में पढ़ते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग, पाइल फुटिंग, स्लैब डिजाइन, स्टेयर केस के डिजाइन, आईएस कोड्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट आईएस कोड है, शंकन स्लैब क्या है, पेडिस्टल क्या है, ओपनिंग्स क्या है, बीम कॉलम क्या है, प्रीकास्ट कंक्रीट क्या है, हाई रेज बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट कौन कौन से है, कॉलम डिटेलिंग, फुटिंग डिटेलिंग, स्लैब डिटेलिंग, सी वॉल डिटेलिंग, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जीए ड्रॉइंग, सॉफ्ट ड्रॉइंग, इरेक्शन ड्रॉइंग, फेब्रिकेशन ड्रॉइंग, उसके साथ ऑल प्रॉपर टाइप ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का पूरा नॉलेज, डिटेलिंग का पूरा नॉलेज, सेफ कोड का नॉलेज, उसके बाद एडवांस कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आपका है पूरा इसका सिलेबस है यहाँ पर। इसके साथ स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स का सिलेबस है, घर पे बैठ के पढ़िएगा, बहुत डिटेल में है। और उसके बाद फिर हाई राइज स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट हैं, तो ये मेन कॉन्सेप्ट का सिलेबस है। और ये सब एम टेक के टॉपिक्स हैं जो आप एम टेक में पढ़ते हो, मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर पढ़ोगे और इससे ज़्यादा पाओगे, इससे कम पाने की कोई संभावना नहीं। आपको कुछ स्पेशल पढ़ना है सर, मुझे ये भी जानना है, थोड़ा सा सर बिजनेस के बारे में बता दीजिए, थोड़ा सर फ्रीलांसिंग कैसे करेंगे सर, वहाँ पर कंपनी में गया था इंटरव्यू में ये पूछ लिया था, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो ऐसे कोई भी स्पेशल टास्क है आपके, बेझिझक हम आपको उसको पूरा प्रयास करते हैं बताने का। नहीं आता इनकेस मुझे, मैं ही नहीं करता हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ या तोप हूँ, मैं इतना है मेरे पास, कुछ नहीं, ठीक है। वी आर जस्ट लर्नर, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, मैं अपना बेस्ट देता हूँ सीखने के लिए, सिखाने के लिए, बट अभी भी बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे आपसे सीखने को मिलती है, यूट्यूब से सीखने को मिलती है, गूगल से सीखने को, बुक से सीखने को मिलती है। तो आई एसेट कि नो वन इज परफेक्ट,
मुझे भी लर्निंग का टास्क चांस मिलेगा, मैं भी सीखूंगा। आपसे जो पूछना है पूछिए, नहीं आएगा एक दो दिन का समय लूंगा, दूसरे दिन पढ़ाऊंगा। बट टचवुड, ऐसे बहुत रेयर केस होगा कि कोई चीज ना आए जो ना बता सके, क्योंकि लगभग 8 साल हो गया अपने इस पूरे कारोबार को चलाते हुए। क्लियर है देसाई? हेलो सर, हाँ जी, हेलो यस यस यस, सर, जैसे जरूर। आपने बताया कि एक कोर्स में दो जैसे मतलब स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए सॉफ्टवेयर है, हाँ, स्टैट प्रो और ईटैब। करेक्ट। तो सर इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? मतलब स्टैट प्रो भी अपने करने वाले हैं और ईटैब भी करने वाले, तो थोड़ा करेक्ट, जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि जैसे कभी कंपनियां हैं, ठीक है, अब अगर मैं बोल दूं कि मैं केवल ईटैब सिखाऊंगा, ठीक है, तो देर आर सम कंपनीज जो केवल ईटैब्स यूज करती हैं, बट बहुत सी कंपनी है जो स्टैट यूज करती है। तो अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अब तुम वेट करोगे कौन ईटैब्स यूज करता है, मैं तो उसी को केवल अप्लाई कर पाऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है भाई, डिजाइन करने का कॉन्सेप्ट हमेशा सेम ही होगा, लोड लगाने का प्रोसेस भी सेम होगा, ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं, बस इतना सा फर्क होता है। ठीक है, तो कुछ कंपनियां क्या यूज करती हैं, केवल ईटैब्स यूज करती हैं, ठीक है, और कुछ कंपनी ऐसी है जो केवल स्टैट यूज करती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट निकलने के बाद ये हो जाए कि भैया यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ईटैब्स यूज करते हैं, मुझे तो ईटैब आता नहीं है, यहाँ तो अप्लाई नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्टैट पूछा हुआ है, यहाँ तो अप्लाई नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्सेल पूछा हुआ है, यहाँ तो अप्लाई नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इनको मैनुअल का भी नॉलेज चाहिए, यहाँ तो अप्लाई नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उन्होंने ऑटोकैड के स्टैट प्रो के साथ इनको रेविट भी चाहिए। तो मेरा सिर्फ इतना सा कंसर्न रहता है देसाई, कि आप उस युद्ध में जाने के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट रहें, कोई भी सामने से शस्त्र मांगा जाए आपके पास रहे, बस ये प्रयास है, समझ गए? ठीक है, दोनों ही सेम है, ठीक है, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग सेम होता है। भाई स्वभाव सी बात है, विंड एनालिसिस करने का स्टेप थोड़ी बदल देंगे हम, ठीक है, तरीका बदल सकते हैं, बस इतना सा हो सकता है। ठीक है, तो बस इतना सा ही। चलिए, छोटू प्रसाद यादव, बड़ा अच्छा नाम हाँ है सर, तुम्हारा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कहाँ से हो थैंक्स छोटू? सर, हम झारखंड झारखंड से। से, क्या बात है। हाँ छोटू बताओ। हम बोल रहे सर, हम पीवी में काम करते हैं, पीवी में साइट इंजीनियर हैं, तो हम उसका स्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं कि डिजाइन का अब स्ट्रक्चर में आरसीसी स्ट्रक्चर में आना चाहते हो कि स्टील में आना चाहते हो, पनीर में स्टील स्ट्रक्चर में। हाँ स्टील स्ट्रक्चर में आना चाहते हो, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा कोर्स, क्योंकि इसमें स्टील अच्छा। बहुत थोड़ा सा है। ठीक है, मैं ये कह दूं कि नहीं, बहुत अच्छा है, तुम्हारा इंटरेस्ट आरसीसी स्टील में है, तो एक बिल्कुल तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो मैं इसलिए कहूंगा कि नहीं मत करो इसको। मैं खुद मना करूंगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं, ठीक है, और शायद तुम मेरे पास आए भी इसीलिए हो कि सर क्लियर डिसीजन बताएंगे कि सही है या नहीं। ठीक है, तो तुम इस ग्रुप को मत ज्वाइन करो। तुम क्या ज्वाइन करो, तुमको अगर स्टील को सच में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो अपने यूनिक सिविल ऐप में एक कोर्स है पीईबी नाम से, जब कभी ऑफर वगैरह आए तो उस कोर्स को रजिस्टर कर लेना, तुम्हें काफी हेल्प करेगा क्या बोलते हैं पीईबी इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए। लेकिन ये मत सोचना कि वो परफेक्ट वही कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा, तुम्हें और भी, क्योंकि पीई भी काफी बड़ा है, तुमको अगर तुम तो अभी काम करो तुमको पता चल ही चुका होगा। ठीक है, पीवी के अंदर हाँ हैंगर्स है, बैडमिंटन कोर्ट है, रेलवे का प्रोजेक्ट है, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट हैंगर्स है, बहुत बड़ा है। तो लेकिन हाँ ये है कि एंट्री लेवल के लिए वो हमारा एक ऐप पर कोर्स है पीवी का, लगभग 35-40 घंटे का, वो कोर्स सफिशियंट है। मैं उसका भी गुरुकुल लाना चाह रहा था, बट अभी समय की व्यवस्था बोलो या फिर मेरा बहाना बोलो, मैं अभी तक ला नहीं पाया, समय लगेगा अभी, इसलिए कमिटमेंट भी नहीं करूंगा कि नहीं, आने वाला है, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम करो तो परफेक्ट करो, इसलिए समय लग तो जाता सर, अगर अगर वो कोर्स करके मान लीजिए, अगर हम फ्रीलांसिंग से कुछ छोटा मोटा स्टार्ट कर सकते हैं क्या? है। बिल्कुल आराम से कर सकते हो, ठीक है, फ्रीलांसिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा कोर्स करने के बाद कुछ दिन कहीं ना कहीं किसी के अंतर में काम कर लेना। ठीक है, देखो क्या होता है, गुरुकुल के अंदर मैं कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, गुरुकुल में तुम डेली प्रोजेक्ट करते हो, मेरे खुद के प्रोजेक्ट मैं चेक करता हूँ, तो एक तरीके से तुम मेरे अंदर में काम कर रहे हो, सीखने भी आ रहे हो प्लस काम भी कर रहे हो। लेकिन अपने पीवी में अभी मेरे पास ऐसा मॉडल मैंने नहीं डिजाइन कर पाया हूँ, तो इसलिए पीवी में आप किसी के यहाँ काम करके तब फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर, हाँ कोई काम पे जरूर रख लेगा, ये मेरी गारंटी ठीक है। ठीक है, तो तुम है, पीवी का वहां से थैंक। करके काम चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या बोलते हैं, निपुण का है, निधि कांत निपुण, निधि आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सर एक्चुअली मुझे पूछना था कि मैं 2015 का पास आउट हूँ। करेक्ट, 2015 के बाद मैंने
बेसिकली कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया था, फिर वहां से कुछ उसमें समझ में नहीं आ रहा था, तो एक्चुअली मनरेगा में काम किया था। हाँ, तो मनरेगा में फिर वैसा कुछ समझ में नहीं आया, तो वहां से स्विच करके फिर मैं बिल्डिंग्स में आया। करेक्ट। तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर में फिर वहां पे साइट पे काम किया, फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद से जब लॉकडाउन हुआ तो फिर ऐसा कंडीशन आ गया था कि कुछ मतलब दिख नहीं रहा था कि आगे क्या करना है। करेक्ट। क्योंकि और 2-6 महीने तो कुछ मिला ही नहीं, वो लोग बोल दिए कि नहीं कोई सैलरी वगैरह नहीं देंगे, तो ये सब कंडीशन है। वहां से छूटा तो फिर मैं ऑटो कैड वगैरह ये सब चीज सीख के, कुछ पहले से भी नॉलेज था और उसके बाद भी कुछ क्लास वगैरह किया, फिर मैं अपना एक छोटा मोटा कंसल्टेंसी फर्म एक चला रहा हूँ। करेक्ट। तो अब इसमें क्या है सर कि मैं सिविल से, मैं सिविल इंजीनियरिंग था, तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं स्ट्रक्चर में अगर नहीं जाऊँ तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहता नहीं है। दूसरा ऑप्शन है निपुण, ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर में नहीं जाना चाहते हैं तो बीआईएम में करियर बनाइए, ये फिक्स है। अगर आप स्ट्रक्चर से दूर भाग रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आपका सोल, हाँ बताइए सर। मैं दूर नहीं भाग रहा हूँ, कहना ये है कि मतलब मैं स्ट्रक्चर्स में ही जाना चाहता हूँ। अच्छा। क्योंकि हाँ कंसल्टेंसी फॉर्म में जो मैं जिस लाइन में हूँ वहां पे बीआईएम में, अभी रांची में बीआईएम वगैरह कर पाना उतना बहुत ज्यादा यहाँ पे स्कोप नहीं है। नहीं, यहाँ स्ट्रक्चर्स वगैरह में ही यहाँ पे मतलब एक अच्छा सस्टेनेबल यहाँ पे अपना बिजनेस खड़ा किया जा सकता है, लेकिन अगर बीआई जी क्योंकि वो वैसा कुछ दिल्ली या मुंबई इस टाइप का स्थिति यहाँ पे नहीं है कि हम अगर बीआईएम लेके आ जाए तो लोग अफोर्ड करने लगेंगे, हाँ ठीक है यहाँ पे तो अपने से डिजाइन बना के सब कर लेते हैं। करेक्ट। लेकिन स्ट्रक्चर्स बेसिकली हो जाता है कि हम लोग उसको कर सकते हैं स्ट्रक्चर पे, अपने यहाँ पे हो सकता है काम। और यहाँ पे थोड़ा एक प्लस पॉइंट ये भी है कि स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। करेक्ट। गिने चुने हुए 2-3 कंसल्टेंट हैं जो पूरे आर्किटेक्ट का काम करते हैं पूरे रांची का। करेक्ट। तो इसीलिए सर इस पे मैं स्ट्रक्चर्स का अभी तो मैं थोड़ा मोड़ा नॉलेज रखा हुआ हूँ, जैसे स्टैटप्रो का कनेक्ट एडिशन वगैरह मैं चलाता हूँ तो उसका कुछ नॉलेज है, और बाकी जो सॉफ्टवेयर ये बुक्स का जो नॉलेज है वो जो पढ़ रहा हूँ कंटिन्यूअस अपना वो कर रहा हूँ। तो इसमें मैं यही जानना चाह रहा था कि क्या इस इंटर्नशिप के बाद मुझे इसमें क्या फायदा मिलेगा। अब ये समझो कि तुम ब्रदर जो प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस तुम एक साल बाद कहीं जॉब करके पाओगे, हार्डली 3 महीने के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम किसी का भी लाइव प्रोजेक्ट उठा के करके उसे सबमिट कर सकते हो, ये मैं बड़े गारंटी से बोल सकता हूँ। तुमने देखा मैं अभी अभी जस्ट किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने मना कर दिया था, ठीक है, इन्होंने पूछा था, डिजाइन ने पूछा था, किसी ने पूछा था स्टील से रिलेटेड, राइट, मैंने क्या क्लियर बताया तुमको कि भाई आपके लिए नहीं अच्छा है। बट अपने स्ट्रक्चर्स गुरुकुल की खासियत यह है कि मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर सही तरीके से आपने ट्रेनिंग कर लिया तो आप प्रोजेक्ट उठा के एनालिसिस करके डिजाइन करके उसको सबमिट कर सकते हैं, और ये मेरी जी सर, ठीक है। मेरा सर एक्चुअली ये है सर कि कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे ऊपर, बस एक यही मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं जो भी प्रोजेक्ट नहीं जी सर, ठीक है, मैं कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, ठीक है जी, मैं क्यों, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये हो जाता है, ठीक है, बहुत छोटी बात है, हमारे गुरुकुल के जितने बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे आराम से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, बस उनको मौका चाहिए तो एक ओपनिंग की चाहिए, वो परफेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि लगभग मैं 15-20 प्रोजेक्ट करवा देता हूँ स्टैटो में, 20 प्रोजेक्ट के आसपास आपके ही गैप्स हो जाते हैं, कितने हो गए, 40 हो गए, ठीक है, लगभग आप 10 से 15 प्रोजेक्ट कर लेते हो ऑटो कैड के अंदर, ठीक है, तो 70-80 प्रोजेक्ट का जब नॉलेज आपके पास हो जाता है तो ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाएगा ना जी। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें कि आपको स्ट्रक्चर्स का प्रोजेक्ट मिलेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, आप 100% कर पाएंगे, हायरेज मिलेगा तो आप ईटैब में सबमिट कर देंगे, आपको छोटी बिल्डिंग्स मिलेंगी आप स्टैटो में करके सबमिट कर दोगे, फिक्स है, तो इसका टेंशन नहीं, मतलब तुम डायरेक्ट आर्किटेक्ट से काम लो, सब करके एनालिसिस करके सबमिट कर दो। स्ट्रगल एक्चुअली कहीं पर है गुरुकुल के स्टूडेंट को तो है अच्छे तरीके से अच्छी कंपनी में इंटरव्यू को क्रैक करना, ठीक है, नॉलेज का कोई स्ट्रगल ही नहीं है, वो तो मैं दिलवा दूंगा और जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना पर्याप्त होता है किसी भी प्रोजेक्ट को डन करने के लिए। जी सर, मेरे पास अब यही है कंडीशन अभी के टाइम में कि या करो या मरो, नहीं दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखो नहीं करोगे तो भी मरना है, जी जी नहीं नहीं वही है कि नहीं अब करना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। नहीं, बहुत अच्छी बात है, इस कंडीशन में ही एक्चुअली ग्रोथ होता है,
ग्रोथ कब होता है, जब हमको लगता है कि यार ये तो द एंड है, ठीक है लास्ट प्रयास करके देख लेते हैं, तो ऊपर वाला बोलता है यार अब इसको छोड़ दूं या बचा लूं, चलो बचा ही लेता, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा चीज होता है, ठीक है, कि आप क्या बोलते हैं लास्ट मोमेंट पर आपका काम हो रहा है, मतलब आप करके देख लेना चाहिए, नहीं हुआ तो क्या ही था, पहले भी तो बड़बड़ हो रहा था, बट ये फिक्स है, मैं गारंटी सब बोल सकता हूँ। तुम डिजाइन उठा के करके सबमिट करोगे और मेरे क्लास में ही करके दिखाओगे सर मैंने किया हुआ है, मैं ही अप्रूव करूंगा कि एकदम परफेक्ट किया हुआ है, जी, ठीक है, उसका थैंक यू तुम सर। टेंशन छोड़ दो। ओके जी, कुछ जी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सनी, आपका कोई क्वेश्चन बच गया क्या? आपने हैंड रेज अभी किया हुआ है, मैं भी बच गया हूँ, ठीक है। और डीके क्लासेस, तुम्हारा भी कोई क्वेश्चन बच गया है? डीके यानी पूरा फॉर्म तो नहीं दिखा रहा तुम्हारा, बट ये नाम लिख क्या रहा है, डीके, ठीक है। अभी कौन आ रहा भाई? हाँ जी सनी बोलो। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था करेक्ट कि आफ्टर ये जो स्ट्रक्चर का बैच अपना क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हुआ, करेक्ट, ठीक है, उसके बाद हम जॉब स्टार्ट कैसे करेंगे? उसके बाद करोगे तो यही सबसे बड़ी गलती हो जाएगी, उसके साथ मतलब अप्लाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। मैंने लास्ट ओके बैचेस अप्लाई, में कुछ लोगों ने गलती किया कि उन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग कंप्लीट होते होते उनका उन्होंने पोर्टफोलियो ही नहीं बनाया, बजरा सी हो गए। उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, फिर जब अप्लाई करने का टाइम आया तो अप्लाई कब करें, ट्रेनिंग के बाद, वो सबसे बड़ी गलती, क्योंकि उसके बाद भूलने लगता है कंटेंट, है ना, ब्रेन अपना ऐसा है ना, भूलने लगता है। तो अभी हमने क्या कर दिया है, अभी जो हमारी करंट बैच है, ऑलरेडी करंट बैच से कुछ लोग यहाँ पर हैं, तो हमने क्या कर रखा है कि आपको एवरीडे एक कंपनी में अप्लाई करना है। जैसे स्टैट प्रो में दो तीन प्रोजेक्ट कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, स्टैट प्रो पहुंचने में लगभग 15 दिन से 20 दिन लगता है, 20 दिन के बाद हम बोलते हैं भैया रोज एक कंपनी का प्रैक्टिस कर लो अप्लाई करने का, मतलब 15 मिनट 20 मिनट हम डेली देंगे एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, जिससे कि स्टेट खत्म होते होते कॉल होने के आने के चांसेस बढ़ जाए। मान लो नहीं आता तो इतने तक में तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो मेरा प्रयास रहता है कि आप एवरीडे एक कंपनी में अप्लाई करें, और ये भी गुरुकुल का नियम बना दिया है अभी करेंट बैचेस से, जो अभी सितंबर की बैच है उससे मैंने बना दिया कि भाई आपको डेली एक कंपनी में अप्लाई करना है, जुलाई के बैच को भी अप्लाई करना है, ठीक अच्छा, है, चलेगा। तो और इस अभी इसका जो बोलिए, इसका जो वीडियो है वो पूरा इसका लिंक मिल जाएगा ना? मैंने तो हाँ स्टार्टिंग का मिस कर दिया। यस यस, मिल जाएगा लिंक, मिल जाएगा स्टार्टिंग का, कल मिलेगा, आज नहीं कल मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके। स्वाति कुछ बोलना चाह रही है, इनके मन में कोई क्वेश्चन है? यस स्वाति बोलिए, और भी किसी का है तो हैंड रेस कर लीजिएगा, इस बिना शर्माए हुए हैंड रेस कर लीजिए। यस स्वाति, हेलो। यस स्वाति, हाँ सर, मैंने आपको कॉल किया था पिछले अच्छा, महीने में। ओके हाँ, तो मैं अभी रवि स्ट्रक्चर में काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे डिजाइन में इंटरेस्ट है, तो मैं इडेप्ट करना चाहती थी। तो करेक्ट, देखिए क्यों इंडेक्स, हाँ बोलिए। मतलब रवि स्ट्रक्चर में अच्छा स्कोर है, तो क्या इडेप्ट करना अच्छा है, क्या मुझे राय लेनी थी आपकी। ओके देखिए क्या होता है स्वाति, सबसे बड़ी चीज होती है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज के अंदर है ना, तो वो चीज में आप बहुत बेहतर कर सकते हो। अब इमेजिन करिए आप है और आपके साथ मैं हूँ, इमेजिन करिए कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है किसी काम को करने में और आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। और मार्केट में कोई आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि हम पनीर बनाते हैं, आप भी पनीर बनाती हैं, हम भी पनीर बनाते हैं, बट आपका पनीर बहुत अच्छा है, हमारा पनीर हम बस बना देते हैं मजबूरी में, घर वालों के प्रेशर में, किसकी पनीर ज्यादा सेल होगी, आप। हाँ सर तो है, लेकिन अभी मैं ज्वाइन हुई हूँ कंपनी में, तो मुझे वहाँ पे 2 मतलब 2 ईयर लॉक पीरियड है, करेक्ट, तो वहाँ पे मुझे करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे थोड़ा एडवांस मतलब लाइव प्रोजेक्ट में काम करना पड़ता है ना, तो करेक्ट, मुझे एडवांस रिव्यू स्ट्रक्चर भी सीखना था और इटैप भी सीखना था, तो एडवांस रेम स्ट्रक्चर्स के लिए तो आपको गुरुकुल में आना पड़ेगा, और बिहार का गुरुकुल अलग होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स का है, तो आप अपने डिसाइड कर लो, अगर आपको स्ट्रक्चर्स में करियर बनाना है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि आपको 2 साल का बॉन्ड है, बॉन्ड नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, ये लेबर लॉ में कोई भी बॉन्ड नाम की चीज नहीं। अगर आप आज भी अपनी कंपनी को छोड़ दें, कोई भी आपके ऊपर एक्शन नहीं हो सकता है बाय लॉ के, ठीक है। तो आप ओके दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा कंपनी बॉन्ड है, बस इतना सा नुकसान हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस लेटर ना बन पाए, इतना सा नुकसान हो सकता है कि क्या बोलते हैं लोग ये बात निकल लें कि भैया ये तो उसने तो गड़बड़ कर दिया, 2 साल पहले छोड़ दिया। बाकी अपने संविधान में आप चाहे जितने बड़े लॉयर से पूछ लीजिए, मैं भी एक लॉयर स्टूडेंट हूँ,
कई लोगों को नहीं पता होगा, मैं लॉ की स्टडी भी करता हूँ, लॉ स्टूडेंट भी हूँ, तो मुझे पता है कि लेबर लॉ में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि अगर आप क्या बोलते हैं किसी कंपनी में हैं वो आप कंपनी बंधक बना सके किसी भी टाइम, 1 महीने के लिए बंधक नहीं बना सकते, 2 साल तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ओके। तो और इसमें एक से सर, और एक बात सर, ओ रिबिट स्ट्रक्चर, एडवांस रिबिट स्ट्रक्चर में आपके साथ मतलब आपका क्लास ज्वाइन करने के बाद सीख सकती हूँ क्या? यस, लेकिन वो बीआईएम बिल्कुल अलग चलता है, वो इस 20 अक्टूबर वाली बैच में मत करिए फिर उसके लिए। अगर आपको उसको करना है तो फिर आप क्या बोलते हैं 1 नवंबर को बैच स्टार्ट है बीआईएम का, उसको करना पड़ेगा। ओके ठीक है, और उसमें ठीक क्या बोलते हैं, बट अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है क्या बोलते हैं आपका है ई इंडस्ट्री टैब स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है, ईटीएफ्स नहीं होता केवल, में। हाँ केवल ईटीएफ्स में कैरियर नहीं बनेगा ना, ईटीएफ्स सीखना है तो आप पता ईटीएफ्स है। से सीख लोगे मेरे पास क्यों आऊंगा। ठीक है, एक्चुअली ईटीएफ को सीखने के पीछे का राज है डायनेमिक्स समझना, स्ट्रक्चर्स का जो सबसे टफ होता है वो डायनेमिक्स है। ठीक है, तो ईटीएफ्स मत सीखो, आपको डायनेमिक्स सीखना है ईटीएफ्स के अंदर, ये क्वेश्चन होना चाहिए आपका। ठीक है, तो उस लेवल का ईटीएफ सीखने के लिए आपको ये जो बैच चल रही है सबसे बेस्ट तरीका है। इस बैच में काफी डेप्थ में ईटीएफ्स के बारे में डिस्कस होता है, स्टैट के बारे में होता है, ऑटोकैड के बारे में होता है, और पूरा मैनुअल एक्सेल रेबिट सब के बारे में डिस्कस होता है। तो अगर आप उसको लेते हो, अगर आप करियर अपना या फ्रीलांसिंग करियर या फिर फ्यूचर करियर स्ट्रक्चर्स में देखते हो तो ये उसमें आपका बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके जी, मोस्ट वेलकम। एक क्वेश्चन इन्होंने क्या बोलते हैं पूछने का कोशिश किया है आदित्य ने, आदित्य अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगी प्रिया, पहले आदित्य का कर लेते हैं फिर प्रिया। आदित्य, हाय सर, हाउ आर यू सर? आई एम गुड विद दैट। हाँ सर, दिस इज आदित्य फ्रॉम ओके हैदराबाद। ओके आई हैड 4 क्वेश्चंस सर, ओके विच आर वेरी यस स्मॉल। यस, टेक योर टाइम। सर एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड माय एमटेक इन 19 करेक्ट, एंड आई हैव वर्कड इन सम कंपनी वेयर आई यूज्ड टू वर्क एज एन असिस्टेंट फॉर अ स्टैट डिजाइनर। ओके लेटर ऑन ड्यू टू सम रीजंस दैट कंपनी गॉट शट डाउन एंड आई हैव शिफ्टेड माई करियर टू सम अदर कंपनी इन हैदराबाद नाउ। तो इज देयर एनी चांस दैट आई कैन गो इन डेप्थ इन टू दी सब्जेक्ट एंड ऑप्ट फॉर अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर जॉब? व्हाट्स द करेंट जॉब प्रोफाइल यू? एज ऑफ नाउ आई वॉज वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर सर। प्रोजेक्ट इंजीनियर, एंड व्हाट अदर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव राइट नाउ? साइट सर, साइट एंड साइट मैनेजमेंट साइट मैनेजमेंट पर्टिकुलरली। ओके एंड यस डेफिनेटली यू कैन डू, डेफिनेटली यू आर गेटिंग द गुड सैलरी, मे बी आई डोंट नो अबाउट योर सैलरी बट यस यू कैन मेक योर करियर वेरी वेल इन स्ट्रक्चर्स बिकॉज ऑलरेडी यू हैव लाइक आई एम टेक एंड इफ योर एम टेक यस इज इन अ डेप्थ पोजिशन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। देखिए क्या होता है, इफ यू हैव अ बी टेक देन ऑल्सो यू कैन मेक योर करियर इन स्ट्रक्चर्स, बट इफ यू हैव अ एम टेक एंड यू हैव अ लिटिल बिट करियर गैप और लाइक प्रोफाइल गैप, प्रोफाइल गैप राइट नाउ यू हैव अ पोजिशन ऑफ द प्रोफाइल गैप, यू आर द प्रोजेक्ट यस मैनेजर, 1 year of या बट यू आर इन द सिविल इंजीनियरिंग्स एंड यू हैव अ एम टेक, सो वी विल गेट द पॉसिबिलिटीज कि यू कैन अगेन स्टार्ट योर करियर इन स्ट्रक्चर्स। इट मे टाइम टेक टाइम, इट मे डिफर योर सैलरी फॉर 6 मंथ, बट डेफिनेटली 110% यू कैन मेक योर करियर इन स्ट्रक्चर्स इंजीनियरिंग। स्टार्टिंग 6 मंथ इज द स्ट्रगल फॉर यू, बट आफ्टर 6 मंथ देर आर बिग पॉसिबिलिटीज, यू कैन गेट द गुड पैकेज, इवन इफ यू आई कंपेयर विद योर करेंट जॉब प्रोफाइल यू विल गेट द मोर सैलरी। Why? Because you are in the structures MTech first, second you are passionate with the structures, that is most important. Okay. Okay, sir. Thank you. Next, any doubt? Yes, sir. And yeah. Next thing was there was a saying that Stat Pro, in comparison between Stat and ETFs, that ETFs will give you the accurate results better than Stat. Is it true? Not exactly like that actually, if I talk about the practical sense. So if you do the things like you have a might you know about the Splendor, the Honda Splendor, and yes. You know the about the Royal Enfield, or you can take the example of R15. You have yes, a sir. Splendor, you have a R15. If you need to go from like Karnataka to Ladakh, which bike will help you? Now you decide. Okay. It may be definitely we're going to say that R15, right? Yes. So that means if you are doing something bigger, high-rise projects, big projects,
So best sense is you try to use the EDAPs. That is the best software for you. And EDAPs. If you are doing the things for your like local areas, okay, Splendor is the best thing for you. Even compare, if you compare with R15, you will get the good average. Okay, you will get the easy comfort in the Splendor because that is the for the nearby. So if you have a project G plus 1, G plus 2, G plus 3, you can use the Stat Pro. If you have a project high rise, you will get you can use the ETFs. That is the basic yes, difference. So, ultimate ke liye seekhna hai na, sir. For what? Sorry. No, seekhna hai to maximum level tak reach karne ke liye seekhna. No, try to use the so both of that. Okay, if company is using the stat, so you will perfect in the stat also. If company is in ETFs, so you are like they are not going to say kya tumko ye nahi aata. You are perfect in both. Yes, sir. Yes. Right. So my preference is that's why I use the stat and ETFs both. I have an alternative way ki I can reduce the stat or I can reduce the ETFs, but why I not reduce that? Maybe company required that, maybe company required that, and you are perfect in both, so more is it will be great for them. Yes, what happened? Company need to purchase the softwares, okay? Yes. Because depend on company's budget. Hmm. Okay, exactly what the fact. Present company also, there will be a license stat, but only juniors will be in operating that, not juniors will be allowed. Correct. So that is the reason. Suppose if I talk about the stat and ETFs, ETF is a little costly software. So maximum companies use the stat. Maximum in the sense, if I go to talk about India's, as per the survey, near for 60% companies are using the stat. Why? Because this is easy, and more than that, that is cheaper. Okay, and ETFs is a little bit high in the cost. So that is the main problem. Ki company dono nahi use karte. Okay, very very few soft companies jo dono use kare. Jaise hum log bike hota hai, bahut kam logon ko jinke paas do bike alternative hoga, hai na? ठीक है ज्यादातर लोगों की या तो बड़ी वाली ही होगी या फिर छोटी वाली होगी कुछ लोग होंगे जिनके पास ठीक ठाक अमाउंट है तो उन्होंने दोनों रखी हो कुछ ऐसे ही करता है यस सर क्लियर हां क्लियर सर एब्सोल्युटली क्लियर एनी अदर डाउट यस सर लास्ट टू एंड सर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कंप्लीट कोर्स विद इन 4 मंथ्स आर वी कैन गेट द एबिलिटी टू डिजाइन अ बिल्डिंग 110% 110% हम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट Okay, that's why I'm telling you, you can see by the confidence. Okay, I'm just uploading these lectures on the YouTube. You can show me after 4 months, Kisar, what was the commitment and how I am. Okay, I'm very much confident with that. Don't think about that, I'm capable wrong any, but my possibilities, everything is possible. When you complete your 80% of attendance, not only by your face, by your mind, so that you can complete any day task, can complete everyday lectures, 110% you can. सोचो जिस काम को तुम रोज कर रहे हो भी बोलो कि सर मैं झाड़ू लगाना सीख रहा हूँ और क्या बोलते हैं मैं रोज झाड़ू लगा रहा हूँ 2 साल से मैं सीख ही नहीं पाया ऐसा हो ही नहीं सकता राइट इफ यू आर डूइंग एवरीडे प्रोजेक्ट कैसे नहीं हो सकते कम सीख नहीं सकते ओके तो उसके लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ कोई टेंशन नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो बाकी एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है कि सर्टिफिकेशन सबको सर्टिफिकेशन मिलेगा 6 मंथ का इंटर्नशिप लेटर मिलेगा हर सॉफ्टवेयर का इंडिविजुअल सर्टिफिकेट मिलेगा अपना कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है एमएसएबी अप्रूव्ड है कोई टेंशन नहीं और बोलो ओके सर सर एंड लास्ट लास्ट क्वेश्चन सर सर एनी माय सिंसियर रिक्वेस्ट इज लाइक यू सेड द क्लासेस विल बी फ्रॉम 7 to 8 बिकॉज ऑफ दिस हेक्टिक स्केड्यूल्स इन द ऑफिस आफ्टर बाय रीचिंग होम कैन यू प्लीज शिफ्ट टू 9 to 10 that is the problem for many persons, but the problem is what we have another batches, and I also have this is my part time work, you can say. I'm not used to be the full time work with that. Okay, I'll do this from after 7 to 12 PM only. So there are another batches that time is 8:30 to 10 and 10 to 11:30. So that my schedule is back for that time, but. Oh, my only schedule is 7 to 8:30. I can do what I can do is I can in my 1.5 hour schedules there is a 30 minutes of session for the check the assignments. So I can do this first 7 to 7:30.
if possible, try to attend this lecture from 7:30 to 8:30. It may be the possible. Okay, sir. Okay. That's a small request from us, sir. Yeah. And in future, if this is possible, like I can increase the timing like from 8 to 9:30, I'll do that for them. But for now, it is not possible, so I can't give you the wrong commitment. Okay, sir. Thank you. Okay. Okay, so most welcome. Now, Priya. प्रिया अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, जिसका क्वेश्चन रहेगा जितना टाइम लगेगा आराम से आप एंजॉय करना, हम पूरा क्वेश्चन आपको पूछेंगे, आपको पूरा समय देंगे, ठीक है? बट आप अब आप थक गए तो आपकी गलती है। चलिए प्रिया, शायद क्वेश्चन ट्राई कर रही थी, इन्होंने हैंड रिस्क किया था, बट मोहम्मद कैफ तुरंत हैंड रिस्क किए हुए, शायद इनका क्वेश्चन है। यस कैफ बोलो। सर हमको ये पूछना था, मैं पहले से आपका जो कोर्स है BIM का उसका लिया हुआ हूँ, तो उसमें मैं ऑटो कैड तक मैं पढ़ लिया हूँ, लेकिन सर हमारे अंदर वो परफेक्शन नहीं आ पा रहा है। कितने प्रोजेक्ट्स किए? तो क्या सर प्रोजेक्ट्स कितने किए? प्रोजेक्ट्स जब जितने आप दिए थे उतने मैं किया हूँ, ऑलमोस्ट किया हूँ, लेकिन चेक कोई मतलब गाइड नहीं कर पा रहा है सर, कौन चेक करेगा क्या? यस। तो हमको इसमें प्रॉब्लम आ रही है सर, यही प्रॉब्लम है, इसीलिए गुरुकुल को पैच लाया है। ऑलरेडी सब कुछ रिकॉर्डेड है, ठीक है, ऑलरेडी सब कुछ यूट्यूब पर भी है, फिर भी हमारा काम नहीं हो पाता ना, ठीक है? क्यों नहीं हो पाता? कोई चेक करे, कोई गलती बताए, कोई मिस्टेक बताए, कोई बताए कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट करो, इससे और परफेक्शन आए, है ना? ठीक है, तो गूगल का एम ही वही है, वही गाइडेंस के लिए ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं सबको बोलता हूँ कि भाई कंटेंट की कमी नहीं है मार्केट में, कंटेंट बहुत है, ठीक है? अगर किसी चीज के क्वेश्चन का कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है गाइडेंस, ठीक है? तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, आपको ढेर सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, आप आराम से उन प्रोजेक्ट्स को कर सकते हैं। और रही बात स्ट्रक्चर, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ ना? यस यस यस, उस बीम जैसे वो लिया हूँ कोर्स, तो उसमें सर आप बता दे, डिडक्ट हो जाएगा जो भी मतलब ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ये उसके हो जाएगा जिसका ऑल इन वन है। अगर तुम्हारा कोर्स ऑल इन वन है तो इसका जो फी है वो आपके 20K में डिडक्ट, ठीक है? BIM है, अगर आपके पास वीडियो कोर्स तो BIM के लाइव बैच में डिडक्ट होता है, स्ट्रक्चर्स है तो ऑल इन वन डिडक्ट होगा, स्ट्रक्चर में नहीं होगा सर। नहीं, वो BIM होगा क्योंकि BIM का कोर्स है, ठीक है? तो हाँ, ये बात सबको बताना भूल गया, अगर आपके पास ऑल इन वन है तो आपके लिए गुड न्यूज है कि आपने ऑल इन वन पर जो भी फी पे किया है आपके इस गुरुकुल में वो माइनस हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर्स का स्ट्रक्चर्स में होगा, BIM का BIM होगा, गैप यहाँ तुम फंस गए। इसीलिए सर मैं ज्वाइन करना चाह रहा था स्ट्रक्चर की, क्योंकि सर स्ट्रक्चर में देखो मेरा काम है क्लियर बताना है, ठीक है, कि इसमें सही गाइडेंस मिले, इसीलिए मैं आया भी हूँ लाइव पे, कि मैं नेक्स्ट संडे को फिर से आऊंगा, किसी और का क्वेश्चन बचा रहेगा वो भी क्लियर करूंगा, क्योंकि क्या होता है कॉल पिक करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, बहुत कॉल आते हैं, अगर मैं कॉल बताऊं तो बहुत मिस कॉल पड़े होंगे, मैं देख ही नहीं पाया, ठीक है? उसमें मैं वो नहीं है कि मेरा कोई एटीट्यूड है, कोई एटीट्यूड नहीं, मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, बट कितना कॉल उठाऊं थक जाता हूँ, ठीक है? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सत्या सर, बालाजी आर्किटेक्ट वाले में हो गया सर। अरे वाह क्या बात है, बालाजी आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर, हाँ जी सर, ठीक है, ये मेरा बहुत अच्छा ओल्ड स्टूडेंट है, ओल्ड मतलब आपके बैच के पहले बैच का सीनियर है तुम्हारा, और सत्यांशु नाम है, ठीक है? बहुत ही पर्सनल, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और ये इसका स्ट्रगल अगर अभी सुनोगे आप, बहुत हाई लेवल का इसने रिस्क लिया हुआ था, अभी खुद ही बताया मैंने बोलूंगा। सत्यांशु अपना माइक ऑन करके थोड़ा गुरुकुल का फीडबैक और अपना सब कुछ बता दो, जैसा तुम जो बताना चाहो। सर 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 ने बहुत चीजों को बहुत एकदम इजी वे में एकदम समझाते हैं, एकदम चीजों को रिलेट करते हुए लाइफ में, और सर का बहुत ज्यादा मतलब सर के वजह से आज हो गया बालाजी वाले में, मैंने मेरे तुम्हारे स्ट्रगल में, और सर पोर्टफोलियो जो बनाए थे ना, पोर्टफोलियो से थोड़ा इम्प्रेस हो गए थे, पोर्टफोलियो से, और पूरा सर जीप फाइल में उनको भी शेयर कर दिए थे, बहुत उनको लग गया तुमने ही बनाया है। यस सर, जीप फाइल भी शेयर कर दिए थे, पोर्टफोलियो भी शेयर कर दिए थे, बहुत बढ़िया। अब आप सबके सामने है सत्यांशु, इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर यू, एंड ये एक साइट इंजीनियर है, ये भी बता दूं आपको, ये साइट इंजीनियर थे, और जिस तरीके के इनके हालात थे, मेडिकल कंडीशंस थे, इनके लिए साइट को कंटिन्यू करना उतना पॉसिबल ही नहीं था, और फिर इन्होंने डिसीजन लिया, और ये क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा रिस्क था, अच्छी खासी जॉब को छोड़ के तैयारी करना बहुत बड़ा रिस्क था,
घर वालों के कितने ताने खाने पड़ते हैं आप लोग सबको पता है, कोई नया नहीं है क्या सत्या से यस सर ठीक है। तो वो सब इन्होंने खाए पेट से, मतलब पेट में रोटी से ज्यादा उन्होंने ताने खाए होंगे, ठीक से कई लोग खाते हैं हम भी खाए, लेकिन अभी इन्होंने स्ट्रगल कर लिया। बहुत बड़े सत्यासु मेरे को अभी मेल आया सर, अभी जस्ट आपका वेबिनार चल रहा था ना तो मेल आया था, मेल देख ला। अरे वाह बहुत 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 बढ़िया है सर। एक क्वेश्चन है था, हां राजेश पूछ लो, रुक जाओ सत्यासु इनको क्वेश्चन क्लियर कर लो, उसके बाद बात करते हैं सर। सर ऑल इन वन और ये इंटर्नशिप, इन दोनों में से एक चूज करना हो तो कौन सा चूज कर सकते हैं? इस इंटर्नशिप का कोई कंपैरिजन नहीं है ठीक है, सामने तुमको दिख रहा है यहाँ पर सत्यासु एग्जांपल है ठीक है, इस सत्यासु एक एग्जांपल है। मैं अभी कोई सत्यासु बुला के नहीं लाया हूँ भैया यहाँ पर फीडबैक तो ठीक है, अपने स्टूडेंट इनका प्रेम है कि ट्रेनिंग हो गई फिर भी इन्होंने देखा सर का वेबिनार चल रहा है चलो ज्वाइन करते हैं देखते सर क्या बता रहे ठीक है। तो वेबिनार का सॉरी अपने गुरुकुल का कोई अल्टरनेट नहीं है ठीक है, ऑल इन वन उसका एक छोटा सा पार्ट है और इसका बहुत बड़ा पार्ट ही गुरुकुल है। तो गुरुकुल के अंदर भी ऑल इन वन पढ़ना पड़ता है पहली बात जान लो ठीक है, तो ऑल इन वन अच्छा है बट गुरुकुल से कंपैरिजन नहीं है क्योंकि गुरुकुल में ना पर्सनल मेंटरशिप मिल जाती है राजेश, जो कि आज के टाइम में बहुत ही रेयर फॉर्म में मिलती है। किसी के पास जाओगे तो वो सामने से तो नहीं करने वाला है, किसी ट्रेनर को हायर कर लेगा वो 10-20 हजार रुपए में, वही तुमको गाइड करेगा, पर्सनली कोई नहीं करेगा ठीक है। तो ये पर्सनल मेंटरशिप इसका कोई वही नहीं है, डायरेक्ट कोर्स से आपकी डायरेक्ट मीटिंग होती है ठीक राजेश। हाँ लेकिन इसमें हम बाउंड होते हैं, थोड़ा टाइम बाउंड होता है। हाँ यही तो सबसे बड़ा सक्सेस का रूल है, सक्सेस का सबसे बड़ा रूल पता है क्या है? टाइम बाउंड नो सर, लेकिन जॉब जो जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ा कई बार टूर पर जाना कई बार कुछ ऐसा ठीक है। तुमने कभी जिम ज्वाइन किया था फ्यूचर में कभी? हाँ जी किया था ठीक है, उसमें रेगुलरिटी मेंटेन किए थे ठीक है। हाँ, और उसके बाद तुमने सोचा होगा कि घर पे करूंगा, कभी सोचा था ऐसा? नहीं सर। जनरली लोग सोचते हैं कि मैं जिम ज्वाइन कर लेता हूँ बट जिम में क्या होता है रोज सुबह सुबह जाना पड़ता है, मैं घर पे ही एक्सरसाइज करूंगा ठीक, मैंने ऐसा सोचा हुआ है, बहुत से लोग सोचे होंगे तो अंदर इधर सोच रहे होंगे ठीक है, लेकिन ये सच है कि उसके बाद वो हो नहीं पाता है और धीरे 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 क्या होता है जिम तो छूटा ही था, डेली का एक्सरसाइज भी एक दो दिन बड़े जोश में कर भी लिए बट कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है राजेश। तो नहीं सर, जॉब जॉब करते हैं जिनका टूर का थोड़ा टूर में जाना पड़ता है उनके लिए बोल रहा हूँ ठीक है, जो टूर में जाना पड़ता है उनके लिए अल्टरनेटिव है ना कि उनको रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ना, बट टूर में डेली तो नहीं जाना है, डेली डेली टूर में जाना है तो अलग बात है, ऑलरेडी यहाँ पर सैटरडे संडे हॉलीडे हो रहा है ठीक है, एक दो दिन टूर में जाते हो तो उस दो दिन का रिकॉर्डिंग आप वॉच कर लो ठीक है, आप पहले से बता के रखे हो भाई हमारा टूर का वर्क है कोई दिक्कत नहीं है, बट डेली टाइम बाउंडिंग होना ही सक्सेस का सबसे बड़ा रूल है, ये फैक्ट है, इसको लिख के ले लो राजेश। बुरा लगता है क्या बोलते हैं डेली टाइम बाउंड होना, ये फैक्ट है बट यही सक्सेस का रूल है ठीक है। ओके थैंक यू। ओके जी मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट है भाई अरुण सैनी, कुछ पूछना चाह रहे थे यार। यस अरुण बोलिए, फिर आदित्य कुछ बोलना चाहते सर मेरी। हाँ जी हेलो। हाँ जी बोलिए सर, जैसे मैंने ऑल इन वन ले रखा था सर जी, तो मेरी फीस कितनी रिड्यूस होगी सर जी? उसका ऑल इन वन का जो रिसिप्ट होगा उसमें लिखा होगा कि कितना आपने पे किया था ठीक है, जितना आपने पे किया था उसको 20,000 में पे कर देना, 20,000 में वो क्या बोलते हैं माइनस कर लेना। उसके साथ एक और फायदा उठाने का तुम लोगों को बता देता हूँ, एक है और है वो है कि ये है कि वन टाइम में पेमेंट करना तो और फायदा होगा, 3,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा ठीक है, वन टाइम में पे करने पर 3,000 का डिस्काउंट हो जाता है। मान लीजिए चित्रंजन ने क्या बोलते हैं 3,000 का ऑल इन वन खरीदा और उसके बाद वन टाइम में कर दिया तो 3,000 और डिस्काउंट को 6,000 डिस्काउंट मिल गया, अब जो बची फीस है क्लियर। चलो सर हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी बोलो सर, मेरे पास एक प्रॉब्लम आ रही है सर, जैसे बीटेक चल रही है तो पेपर आने वाले हैं। हाँ तो ये साथ कैसे करेंगे सर जी, क्योंकि आप अभी पेपर कब से है? पेपर सर दिसंबर में है सर जी। दिसंबर में फिलहाल तो हम जो पढ़ाते हैं स्ट्रक्चर्स में वो लगभग लगभग बीटेक को बहुत ज्यादा कवर करता है। क्या सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे सर? ये अभी तो वही चल रहे हैं जी, SM वगैरह, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह। SM चल रहा है और कौन सी? फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड सर्वे चल रहा है सर जी। सर्वे चला और ये इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है जी, एक इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सी ईयर में हो तुम? और ये सेकंड ईयर में हो जी।
सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स कब से देने लगे भाई? इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स है, इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रिकल्स। ओके, और सर बस मैथ है सर बस। ओके, बड़ा गड़बड़ तुम्हारा सिलेबस है फिलहाल। सेकेंड ईयर का कौन सा सेमेस्टर हो सर जी? थर्ड में। थर्ड सेमेस्टर मतलब टोटल तो थर्ड सेमेस्टर हो राइट? ओके हाँ जी। चले देखो इसमें क्या होगा कि इसमें अगर तुम्हारी प्रायर तैयारी है ठीक है तो तुम्हें ये स्ट्रक्चर्स ये जो तुम्हारा बैच है तुम्हें इफेक्ट नहीं करेगा। प्रायर बिल्कुल नहीं पढ़े हो तो इफेक्ट करेगा, तब मत करो ठीक है, क्योंकि उस समय पर आप टाइम ले सकते हो, 10 दिन का बात है, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज हो जाता है ठीक है। और उस 10 दिन में आपको कई लोग तो मैं खुद भी ना मतलब पर्सनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ सब्जेक्ट्स की ठीक है, तो कई ढेर सारे कॉलेजेस के लिए मैं पर्सनल मेरा ट्रेनिंग चलता रहता है, तो उसमें कई बच्चों का रहता है कि उनको सोम का पेपर का पढ़ना है, किसी को कुछ पढ़ना है, तो मेरी भी छुट्टियां होती हैं ड्यूरिंग टाइम ठीक है, तो उसका कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं है तो हो जाता है। बट अगर आपका पहले से तैयारी है तो आपके लिए आसान होगी, पहले से बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो मत करना ठीक है, नुकसान नहीं करना है ना। ओके जी, आदित्य का क्वेश्चन ले लेता हूँ ठीक है। आदित्य अपना क्वेश्चन। हाँ सर, आपने बोला था 30 लोगों के लिए लाइव बैच मिलेगा, करेक्ट। इन इन दिस वेबिनार नाउ वी आर अराउंड 50, इनिशियली वी आर अराउंड 58, हाउ विल यू पिक द 30 गाइस? थोड़ा तेज करना। एक्चुअली यू सेड यू विल बी पिकिंग ओनली 30 पीपल फॉर अ बैच, करेक्ट, बट देयर आर अराउंड 58 और 64 पीपल व्हेन वी स्टार्टेड दिस वेबिनार। वेबिनार तो ये वेबिनार तो ऐसे है ना कि हजार भी आ जाए क्या दिक्कत है, वेबिनार इज जस्ट फॉर कैरी। ओके, देन हाउ टू गेट जॉइन इन दिस 30 पीपल? यस, ऐसे तो क्वेरी है, ज्वाइन करने के लिए आपको यहां पर ग्रुप में नंबर दिया गया है देखो हमारी टीम का, ये कॉल करेंगे, बाकी आप इनसे कांटेक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये तो वेबिनार, इसमें तुम 100 लोग हो जाओ, ये तो पूछने के लिए लोग आए हैं ना अपने क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए ठीक है। क्या होता है मैं कॉल पे मैं अगर अलग अलग सबका, अभी जैसे तुम्हारा क्वेरी कई लोगों की क्वेरी को कंपेयर कर रहा होगा ना कि हाँ यार इनका भी यही क्वेरी है, यही इनका भी क्वेरी है ना, और उनका क्वेरी कई लोगों को काम कर रहा होगा ना, तो क्या है ये तो क्वेरी से एक क्वेरी से 4 लोगों का सॉल्व हो रहा है ना। और अगर मैं कॉल पे करूंगा तो मेरे 10 10 मिनट करके 40 मिनट चले जाएंगे, यहाँ पर 10 मिनट में 4 लोगों को भला हो जा रहा है ठीक है। तो ये क्वेरी है, सेशन अलग होता है, सेशन 30 स्टूडेंट्स का ही रहता है। अब 30 मतलब कोई हमने एग्रीमेंट नहीं कर रखा है, 32 हो गए तो मैं मना नहीं कर दूंगा, 28 हो गए तो भी मैं मना नहीं कर दूंगा, नहीं नहीं मैं बैच नहीं लूंगा, 28 लोग है क्या ही दिक्कत है, दो चारों पर जो एग्जैक्ट सीट है दैट इज द 30। ओके चलेगा। हाँ जी, एंड और किसी का कोई क्वेश्चन है भाई? किसी को क्वेश्चन है? देसाई कोई क्वेश्चन है? किसी कोई क्वेश्चन है पूछ लो सर। एक क्वेश्चन। हाँ जी बोलो बोलो सर। एक मिक्स्ड डिजाइन से सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो जी। एक्चुअली एक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि इसका थोड़ा सा नहीं मिल रहा है नॉलेज। बेसिकली क्या है कि अगर मिक्स डिजाइन आरसीसी स्ट्रक्चर है और जैसे उसमें मान के चलिए कि अगर कहीं पे M20 यूज किया गया है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो स्लैब में अगर M20 है और बीम में M25 है, करेक्ट, तो जॉइंट्स पे क्रैक्स आते हैं, स्वाभाविक सी बात है। हाँ, तो उस क्रैक को मतलब रिड्यूस करने के लिए हम लोग बेसिक क्या करते हैं? देखो सबसे पहली चीज क्या होता है कि M20 M25 में क्या डिफरेंस है, पहले ये समझो जी ठीक है। M25 क्या दे रहा है? ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है ठीक है जी। M20 क्या कर रहा है? कम स्ट्रेंथ दे रहा है, स्वाभाविक सी बात है राइट। अब क्या है कि अब M20 और M25 में दोस्ती कैसे होगी? एक बहुत अमीर है एक गरीब है, फिर इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 15 और 25 में ज्यादा डिफरेंस होता है ठीक है जी। 20 और 25 में बहुत कम क्रैक आता है, वो नॉमिनल क्रैक होता है ठीक है। अब इसमें कर कह सकते हैं, इसमें कर कह सकते हैं कि आप जब आपने M20 को डिजाइन कर रहे हैं उसमें हायर ग्रेड का स्टील यूज करें ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई चीज आपका अच्छा होना चाहिए, जिसे आप एक आप मैं हूं और आप हैं, आप बहुत अमीर हैं मैं थोड़ा आपसे गरीब हूं है ना, तो अब मेरी और आपकी बॉन्डिंग कब बन सकती है अच्छी? थोड़ा मतलब 19-20 में तो चलता है, बट अगर मान लो मैं 15 पे हूँ और आप 20 पे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपना नॉलेज बढ़ा लेना चाहिए। मेरी आपसे दोस्ती इसलिए होगी क्योंकि मेरा नॉलेज अच्छा है और आपको इस चीज से हमारे बहुत लगाव है कि यार इनका नॉलेज बहुत अच्छा है, तो हमारी दोस्ती का बैलेंस अच्छा चलता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, M15 है और M20 से दोस्ती कर रहे हैं, सो बात है हमारे बीच में फिसलन होने वाली है ठीक है। तो मेन पावर का प्रॉब्लम होता है कि हायर पावर लो पावर,
तो लो पावर अगर हाई टेंशन स्टील यूज कर ले तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती है कि क्रैक्स टाइप, ठीक है, यही इसका मेन तरीका होता है। खुद ही सोचो ना, अभी मान लो कि तुम्हारा बीम है, ठीक है, बीम का वेट है 350 जी, और तुम्हारा उसके नीचे कॉलम है 230 का, सही है क्या? जी, ठीक है, ऊपर का बीम का वेट है 350, नीचे तुम्हारे उसके कॉलम है 230, गलत है ना? जी सर, वो तो हेवी बीम हेवी हो जाएगा, बीम हेवी हो जाएगा, वही काम उधर भी हो रहा है जो तुम्हारे इस डिजाइन में हो रहा है, ठीक है। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? ठीक है, इसका अल्टरनेटिव ये है कि अगर आपको ऐसा है कि नहीं नहीं भैया टूटे ना, बस कॉलम कैसे ही बचा दे, तो मैं क्या करूंगा, 16 mm के चार्ट ठो या बार डाल दूंगा, या फिर जगह रही तो 6 बार डाल दूंगा, ठीक है, टिक तो जाएगा, बट वो दोस्ती ज्यादा दिन की नहीं होगी, ठीक है। इसके जगह पे हाँ ये जरूर है कि 350 तुम्हारा क्या बोलते हैं अगर बीम है, 330 अगर मान लो से होता नहीं, 330 का कॉलम, मानो 330 का कॉलम है तो इसको चला सकते हैं, देखा होगा थोड़ा सा निकला रहता है कहीं कहीं चलता है ना, जी जी ठीक है, तो इतना चल प्रिफरेंस चलता है, बट ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, अचानक से प्रोपोर्शन बदलना नहीं चाहिए। जैसे कि तुम अभी मैं अभी मेरे सामने पानी रखा हुआ है, मेरे पास अभी जो आरओ का पानी ये लगभग 60 TDS का है, ठीक है, अब मैं तुरंत जाऊँ और 400 TDS का पानी पी लूँ मैं बीमार पड़ जाऊंगा, पर ये 60 है, अगर मैं बाहर जाके 100 का पी लिया कोई खास फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल रहेगा, ठीक है, बस यही इसका डिफरेंस है। अच्छा, तो उस कंडीशन में वही हमको स्टील का ग्रेड उसका जो है इंक्रीज करना होगा, स्टील का ग्रेड बढ़ा सकते हो, ठीक है, उसके अलावा अगर तुम्हारे पास अल्टरनेटिव है तो जो क्या बोलते हैं बार यूज कर रहे हो उस बार की क्वालिटी बढ़ा दो, उसको सुपर डाटाइल कर दो, एचडी कर दो, ठीक है, एचडी बार कर दो तो उसमें क्रैक्स कम आते हैं, ठीक है, डाटाइल कर ही रहे हो तो एचडी कर दो, ठीक है, तो वो एक प्रीमियम है। कवर आपके पास जगह पर्याप्त है, कवर अच्छे से प्रोवाइड कर दीजिए, आप डेवलपमेंट लेंथ प्रॉपर प्रोवाइड करिए, ठीक है, अगर आपका जूता फटा हुआ है तो उसके नीचे जो कवर रखिए थोड़ा मोटा रखिए, है ना, तो जब कवर अच्छा डेवलपमेंट लेंथ अच्छा प्रोवाइड करेगा तो ऑटोमेटिक आपका लोड सही तरीके से ट्रांसमिट होगा, बाकी थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा, स्वाभाविक सी बात है, नेचर में नेचर है, कोई ज्यादा है कोई कम है, नीचे वाला ज्यादा है तो सह लेगा चल जाएगा, ऊपर वाला ज्यादा है तो गड़बड़ होगा, ऊपर वाला ज्यादा है तो फंस जाएगा उसमें, हां ठीक है, नीचे वाला तो ये क्वेश्चन, हां बोलो बोलो, ये क्वेश्चन क्या सर, वो एक्चुअली फंसाने के लिए दिया गया था क्या इस तरह का इंटरव्यू? ये इंटेलेक्चुअल माइंडसेट दिखा जाता है कंपनी की तरफ से, ठीक है, आप कितने तरीके से ब्रेन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो ऑन प्रेशर, ठीक है, सर उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा, ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या बोलते हैं 4000 लोग हैं, है ना, तो अगर मैं एक स्टूडेंट के तौर पर अगर देखूँ तो मैं इसको, या फिर टीचर ही कोई हो तो जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है वो तो घबरा जाएगा, क्या देखू बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने, है ना, बट मैं तो पहले ही बोल दिया कि मुझे नहीं आएगा तो मैं दूसरे दिन बताऊंगा, मैं कोई गॉड तो नहीं है ना, तो मेरे सामने बेइज्जती का सवाल ही नहीं है, नहीं आता मैं बोल दिया भाई कल बताता हूँ यार मेरे को नहीं पता, तो लेकिन अगर मैं प्रेप से आ जाऊँ कि एकदम मैं बहुत बड़ा महारथी हूँ ये हूँ वो हूँ और ये छोटा सा आंसर नहीं बता पाओ तो बोलते क्या सर क्या बड़ी बड़ी फेंक रहे थे आप, ठीक है, तो मतलब ऐसा होता है कि एक पर्सनल लाइफ में लोगों के साथ देखा होगा बहुत लंबी लंबी, कोई हेल्प की जरूरत होगी बताना कैसे बताना, उसे 1 लाख रुपए मांग लो, अरे भाई 1 लाख रुपए कहाँ पाऊंगा, ठीक है, कि फेंक रहे थे फिर इतना ज्यादा, ठीक है, कई दोस्त ऐसे होते हैं ना कि यार अपने पास ये है अपन ने ये खरीद लिया है, अब बिल्कुल पूछ नहीं रहा पर्ची बताते हैं, ठीक है, अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ तो ऐसा रोज देखने को मुझे मिलता है, और फिर गलती से उनसे बोलते भाई यार 1 लाख की जरूरत थी यहाँ पर ऐसे कुछ कर रहे कुछ काम था यार पहले बताओ, तो पहले किसी को दे दिया कल ही दे दिया किसी को, अब क्यों क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं, ठीक है, वो क्यों फेंक रहे थे, आधा जल गगन ही छलकत जाए, मतलब समझे कि नहीं जी, क्या अजल गगरी छलकत जाए मतलब बताओ, अजल गगरी छलकत जाए मतलब है कि अगर पूरा अगर घड़ा भरा हुआ रहे तो भरा हुआ घड़ा कभी भी छलकता नहीं क्योंकि उसको टकराने का जगह नहीं रहता, yes, और अगर वही उसका पानी अगर नीचे रहेगा कम रहेगा पानी तो वो है कि भाई इधर से उधर हिलेगा तो छलकना ऑब्वियस सी बात है वहां से बाहर आएगा वो, क्या बोलते हैं जैसे एक लड़के की स्टोरी सुना देता हूँ, एक लड़का मिला हमसे बहुत दिन बाद मिला लगभग 7 साल बाद, और सच बताऊं तो मैं उसका नाम भूल गया था, दोस्त अच्छा था बट 7 साल से मैंने कभी मुलाकात नहीं की, तो मैं उसका नाम लिख रहा था, बल्कि मेरे छोटा भाई बोला कि आपने नाम उसका क्या लिखा, मैं कहा नाम याद ही नहीं आ रहा कुछ भी लिख दो, बाद में याद आया मैंने बोला ये नाम कर दो, इसका नाम गलत मैंने लिख दिया मोबाइल में, मतलब सेम नहीं था कुल मिला के, तो मिलते ही वो ऐसे ही बताने लगा जैसे दोस्त यारी होता है ना, तो SUV ले लिया ये कर लिया, वो अच्छी बात है, कैसा होता है कि जब किसी दोस्त से मिले तो बट मैं मेरा बहुत वो है कि मैं बहुत
एकदम नॉर्मल वाली, अगर कॉलेज का स्टूडेंट है तो मतलब कॉलेज का दोस्त है तो कॉलेज वाली बातें करेंगे, गांव का दोस्त है तो गांव वाली बातें करेंगे, ठीक है, प्रोफेशनल स्टूडेंट दोस्त है तो प्रोफेशनल वाली बातें करेंगे। ये नहीं है कि नहीं ये कर दिया वो कर दिया ये, तो मैं आप सबको ये ऐसा ऐसा सुनूंगा। फिलहाल आप लोग, कई लोग मेरे स्टूडेंट हैं वो तो जानते हैं कि आप डाउन टू अर्थ रहिए, और जितना बड़ा काम करिए उतना ज्यादा ग्राउंडेड होते चले जाइए। आपके साथ कोई बैठे तो उसको ये महसूस ना हो कि यार ये तो बहुत बड़ा वाला आदमी है, इसके साथ अनकंफर्टेबल। नहीं, आपके साथ गार्ड भी वैसे ही फील करना चाहिए जैसे एक स्टेट का सीएम, सीएम को भी आप जी उसी रिस्पेक्ट के साथ बात करिए, गार्ड को भी उसी रिस्पेक्ट के साथ बात करिए, दोनों आपके साथ सहज रहे, कितना अच्छा जी होगा। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। आई थिंक क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, और अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज करेंगे मतलब वेबिनार का संडे को, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग शिकायत रहते सर कॉल पिक नहीं कर पाते, बट आप खुद समझो कि मैं एक सिंगल हैंडेड इंसान हूँ और एक लिमिटेड कॉल उठा सकता हूँ, तो अगर किसी का कॉल नहीं उठा पाया या फिर किसी ने कॉल किया होगा जरूर आज के वेबिनार के रिगार्डिंग नहीं उठा पाया, तो उसके लिए दिल से सॉरी यार, मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, कॉल नंबर ज्यादा हो जाते हैं इसलिए मैं थक जाता हूँ तो मैं साइलेंट करके रख देता हूँ। ठीक है, और विपुल आया, विपुल क्या चल रहा है तुम्हारा, कहाँ गया है वो, तुम विपुल राज केसरी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या कर रहे हो? अभी तो सर थोड़ा अच्छा चल रहा है, मतलब अभी दो जगह जॉब कर ही रहे प्रीवियस की तरह, हाँ और साइट से भी चल रहा है, मतलब दो तीन जगह जॉब चल रहा है। बट अभी हाँ, बट आपसे कांटेक्ट करने वाला था सर, जैसे भी मेरा है ना कि आपको पता है मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, करेक्ट, तो उस कारण ना, और मैं दो तीन जॉब करता हूँ, तो वो थी मेरे को एक चीज भी स्विच करने पे पूरा सब कुछ सीक्वेंस बिगड़ जाता है, मतलब मेरे डे में भी जॉब है, नाइट में तुम भी जॉब है, पक्का बनिया फिर बनिया हो तुम, ना सर हाँ, मतलब वो देखो दो तीन जगह डे जॉब करने में, की जरूरत क्या, मैं तुमको पहले ही बोला था ना। जैसे डे में जॉब है, नाइट में जॉब है, फिर एक रांची मेरा जो सबसे पहला जहाँ मैं करियर स्टार्ट किया था, हाँ तो वो भी मेरे से अभी भी काम करवाता है, उसको इतना तगड़ा क्वालिटी दिया हूँ कि मेरे से छोड़ता नहीं वो, और उसको मिला भी नहीं मेरे से बंदा। करेक्ट, तो ये तीनों चल रहा है, बट अभी क्या है ना, मेरा टेक्ला भी मैं कर रहा हूँ, सारा प्रोजेक्ट मेरा है, अभी मतलब ऑलमोस्ट 32 पे आ गया हूँ। अभी सीन है कि सर मेरे को नेक्स्ट दिसंबर में फिर मुझे छुट्टी चाहिए, मतलब 1 मंथ का पूरा ब्रेक बीटेक के लिए, तो करेक्ट, अभी और मुझे टेक्ला में ज्वाइन भी करना है, तो अभी स्विच इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ ना, क्योंकि 2 मंथ के बाद फिर मुझे कुछ छुट्टी देगा नहीं इतना जल्दी जल्दी, तो वो सब सर मुझे देख के करना पड़ रहा था, मैं 5 में ही कर रहा हूँ। बट जनवरी तक जैसे मैं रिटर्न करता हूँ भोपाल से बैंगलोर, तो मैं कंफर्म मैं स्ट्रक्चर टेक्लम घुस जाऊंगा सर, मतलब वो उसका प्रैक्टिस पहले चल रहा है पूरा। पहले क्या करो, पहले डिग्री, देखो क्या होता हाँ है कि पैसे आप बाद में कमा सकते हो। यस सर, मेरा जो डिग्री का परसेंटेज मैं तो सबको बता भी चुका हूँ, 69.1 69.4 है, मैं उसको 69.5 नहीं कर सकता हूँ जिससे मैं 70 बोल सकूँ, यस सर, ठीक है, क्यों, क्योंकि समय चला गया है, मतलब पहला प्रिफरेंस आज को दो, आज है तुम्हारा डिग्री, ठीक है, आज तुम 3 जॉब कर रहे हो, 3 जॉब करके मान लो तुम 70-80 हजार रुपए कमा ले रहे होगे, कल एक ऐसी कंडीशन आएगी कि तुम एक जॉब से 2-2.5 लाख रुपए कमाओगे, यस सर, लेकिन वो समय नहीं आएगा। अब मैं चाह के बताता रहूं, मैं चाह के डिग्री में जाके अपने परसेंट को 0.1 ना बढ़ा सकता हूं जिससे मैं 70 लिख सकूं, कितना बड़ा ट्रूथ है। ठीक है, यस सर, तो पहले फोकस करो स्टडी पे, और स्टडी को स्टडी की तरह मत करो कि जस्ट फॉर्मेट करना है, एग्जाम क्रैक करना है, मत करो ऐसा, मजे लो उसके नॉलेज का, ठीक है, और जॉब को तुम छोड़ो, पार्ट टाइम को जॉब करके खर्चा चला रहे हो, तुम ऑलरेडी बहुत अच्छा कमा रहे हो मुझे पता है, और तुम मैनेज भी बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट अपने डिग्री को इधर उधर मत करो, डिग्री फर्स्ट। एक इशू था लाइक मैंने सबसे पहले मतलब आई थिंक 2021 में मैंने 2 साल पहले ना करियर ऑल इन वन से स्टार्ट किया था, करेक्ट, मैंने फुल ऑल इन वन स्ट्रक्चर मतलब सब कुछ मैंने सीखा हुआ था, करेक्ट, उसके बाद मैं मार्केट में उतरा तो मुझे पता चला कि मुझे जॉब मिलेगा नहीं, डिप्लोमा चल ही रहा अभी, करेक्ट, तो अभी क्या जो पढ़ रहा हूँ ना और जो मैंने सीखा था उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखता है, मतलब बहुत ज्यादा मेरे को लगता है कि ये जो पढ़ रहे तो वहाँ जो सर ने सिखाया था काम जो मिल रहा है उस पर है ही नहीं मतलब मैचिंग, तो वो थोड़ा फोकस सर इसलिए पढ़ाई से कम ही रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जैसे सर टीचर हो जो एग्जैक्ट नॉलेज दे देते हो मतलब जो पढ़ना है, उस लिए सर थोड़ा डिग्री पे मतलब जितना रिक्वायरमेंट होता है स्टडी का उतना कर रहा हूँ, बाकी फिर स्किल्स पे आपके थ्रू टीचर्स के थ्रू सी ले रहा हूँ। करेक्ट,
नहीं बहुत अच्छी बात। देखो क्या होता है अभी आज का जो मार्केट है ना, अभी जैसे मेरा छोटा भाई भी इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, तो मैंने उसको बता दिया, मैंने कहा कि देख यार तुझे पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया उसको भी, तो मैंने बोला कि मैं अगर मैं टिक कर दूं कि यही क्वेश्चन पूछेंगे तेरा एग्जाम तो ऐसे ही क्रैक हो जाएगा, ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता कि तू केवल क्रैक के लिए और नंबर्स के लिए पढ़े, मैं इसलिए चाहता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज भी ले, मतलब जो भी पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा मजा लो, उसका इंजॉय करो उस चीज़ को, ठीक है। आई एग्री कि अपना जो सिलेबस है थोड़ा सा ओल्ड है, थोड़ा कम फैसिनेटिंग है, ठीक है, लेकिन हमें अपने जो भी सब्जेक्ट मिला हुआ है उसको पढ़ना जरूर पड़ेगा, पढ़ के एक अच्छा परसेंटेज बनाना, फ्यूचर में वो काम दे सकता है। जैसे कि मेरा जॉब लगा हुआ था L&T में, मेरे सारा कुछ क्रैक हो गया था, और जब मेरा वेरिफिकेशन आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया, और L&T में जो आप सोच रहे होंगे छोटी मोटी जॉब 20-25 हज़ार वाली वाली नहीं थी, 50+ का पैकेज था, अच्छा खासा वाला प्रोफाइल, मतलब आपको ठीक ठाक वाली प्रोफाइल मिलती, और प्रॉब्लम बस इतना सा हुआ कि जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ मैं तो 70 का आके क्रैक कर लिया था, उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी थी 70%, मेरा 0.1 रहा होता जब मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, 0.1 रहा होता, तो अच्छा वो नहीं हुआ वहाँ पर, क्योंकि अभी मैं कहीं उससे ज़्यादा अच्छे जगह पे हूँ मजबूत, लेकिन शायद उस जॉब को मैं पा जाता, ठीक है। तो कभी कभी ये सब चीज़ें इफेक्ट कर जाती हैं अभी, तो ट्राई करो कि पहले डिग्री फिर बाकी सब कुछ। ये जैसे सर एक और एग्जांपल लाइक मैं तो देख रहा हूँ, जैसे मेरे सारे सारे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जो पढ़ते थे, जो नहीं पढ़ते, जो जो पढ़ते थे, ठीक है, वो लोग अभी मस्त तैयारी कर रहे हैं जेई वगैरह का। तो अभी बात यह है कि जो जेई के बाद पैकेज है वो मैं बिना जेई करके क्लियर रहा हूँ, तो वो वाला सर थोड़ा दिखता है ना, तो माइंड समझ जाता, पढ़ाई से जगह फिर काम पे रहता नहीं क्या होता है, है। एक प्रॉब्लम क्या है ना कि सरस्वती और लक्ष्मी को साथ मिलाना बड़ा अनप्रैक्टिकल है आज के टाइम जी सर, जी पे, सर, तुम लक्ष्मी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तुम सरस्वती जी के सर, पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे, समझ गए, तो जी सर, तुम अपनी जगह पर गलत नहीं है, ठीक है। आज के टाइम में लड़के, अभी मैं तो इलाहाबाद में हूँ, तुमको क्या बताऊँ, मतलब अगर शाम को मैं 6 बजे घर से बाहर निकल जाऊँ ना तो 1 किलोमीटर की यात्रा करने में लगभग आधा घंटा लग सकता है मुझे, इतना ट्रैफिक होता है बच्चों का, सब्जी खरीदने के लिए, ये करने को, बेचारों को अगर स्ट्रगल देखोगे एक छोटे से रूम में एक टेबल पे एक लैंप लगा के पता नहीं कैसे कैसे बेचारे अपनी स्टडी कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, कई लोग जानते भी हैं किस तरीके से ऐसे शहरों में बहुत प्रिपरेशन होती है, पटना में है, दिल्ली में है, नोएडा में है, और वाराणसी में है, लखनऊ में है, इलाहाबाद में, ऐसी जगहों पर बहुत ज्यादा है, राजस्थान में है, ठीक है। अब वो बेचारों का जॉब लगने के बाद एक सैलरी पैकेज होता है, अभी मेरा एक रिलेटिव बोल सकते हो उसका जॉब लगा, एक RRB का कोई भी ओपनिंग निकला हुआ था, सब आपको पता होगा, कभी तो परसों या नर्सों से मिला, ऐसी बातें होने लगी, बोलता है कि यार क्या बोलते हैं, मुझे लगता था ये करने के बाद ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने बोला कि क्या बोलते हैं तुम, ठीक है तुमने अचीव किया बहुत अच्छी बात है तुम्हारा एक सक्सेस, लेकिन इस चीज को याद रखोगे तो तुम कॉन्स्टेंट अपग्रेड नहीं करोगे खुद को, तो वहीं पर कॉन्स्टेंट रह जाओगे, बोला वही मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ वाले जो लोग हैं कोई अपडेट की बात ही नहीं होती, आया काम किया चले गए, काम किया चले गए, ऐसे ही हमारा रूटीन हो गया है। तो और उनका जो सैलरी पैकेज है अगर आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे, लगभग 30 हज़ार रुपये है, 28 हज़ार समथिंग, 28 हज़ार 800 कुछ ऐसे बताया। अब 28 हज़ार की जॉब अगर सिविल के अंदर तुम सही कंपनी में हो ना, ठीक है, अभी एक लड़की थी वो शायद लेफ्ट कर गई, देवई करके है, ठीक है, कुछ लोग जानते भी होंगे, अभी उसका करेंट जो पैकेज है वो 80,000 का है, 70 समथिंग, ठीक है। अब उसको एक्सपीरियंस है 4 साल का, अपनी स्टूडेंट है गुरुकुल बैच की, ठीक है। अब आप इससे आइडिया लगाइए कि वो जो लड़का रेलवे वाला है उसको उस 78 या फिर 80,000 का पैकेज पाने में कम से कम, ठीक है, 8 से 9 साल लगेगा, गारंटी है वो है सर। ठीक है, और इसको इस 9 साल में इसका पैकेज कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए हो जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और वहां पर जी 2.5 से 3 लाख का कोई रूटीन ही नहीं है, जी ठीक है, हमारे राष्ट्रपति की कितनी सैलरी मिलती है बता रही तक नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब का एक प्रॉब्लम है, और मैं तो बोलता हूँ, मैं सबको ही बोलता हूँ, मैं उसको ना बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से डिमोटिवेट नहीं किया, जैसे एक करंट बताया पहले वो थोड़ा सा हैप्पी था, मैंने कहा इसको थोड़ा रियलिटी बताना पड़ेगा, मैंने उसको बोला वॉस यूर एज, तो बोला कि लगभग 30, वैसे मोटा मोटा 30 मान लो, 77 का था, मैंने बोला 30, ठीक है, और बाकी लोग जा सकते हैं, मतलब इसने छेड़ दिया है तो एक निकल गया है कि चलो बताते हैं। तो मैंने बोला व्हाट यू एक्सपेक्ट मींस हाउ मेनी इयर्स यू गोइंग टू लीव, ठीक है, बोला सर 60 से ज्यादा तो नहीं जी पाऊंगा, मैंने बोला 30 जी चुके हो, 30 और जीना है,
ठीक है, फिर हम प्रैक्टिकल तरीके से बात करने लगे हैं। सत्यांशु जानता है हम लोग काशी और प्रयाग वाले जो लोग होते हैं थोड़ा सा मृत्यु को हाथ में लेके चलते हैं, तो हमने उसको बताया, हमने कहा 30 साल की जिंदगी है, एक साल में कितने महीने होते हैं, तो बोला है 12 महीने, कोई पता है, हमें पता है। हमने बोला 10 साल में कितना चीज होगा, बोलता है 120 महीने। तो फिर हम लोग ऐसे डिस्कस करने लगे, फिर मैंने बोला 3 साल में कितना, तो मैंने बोला चलो गिन के ले लो 400 साल, 400 महीने से ज्यादा तुम्हारी लाइफ नहीं है। हाउ मेनी मंथ्स, 400 मंथ्स, इससे ज्यादा तुम्हारे पास नहीं है टाइम, तुम्हारे अंदर से लगभग जितने लोग हैं हम सब की बात कर रहे हैं, तो 400 साल, सॉरी 400 महीने जो जीना है हमें, उसको जीने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग के तरीके हो सकते हैं कि एक जॉब ले लूँ और उसमें 10-20-50 हज़ार की सैलरी होगी, फिक्स तरीके से मैं जीऊँ। कुछ लोग का हो सकता है कि मैं कॉन्स्टेंट इस 400 महीने अपने ग्रोथ को दूँ, हर महीने कुछ नया आए, हर 6 महीने में कुछ इम्प्रूवमेंट आए, 400 महीने थोड़ा यूनिक दिखे, जाने के बाद लगे कि कुछ अच्छा किया हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा धार्मिक टाइप का इंसान हूँ इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। तो क्या बोलते हैं, आपको 400 महीने कैसे हो गए, इस तरीके से हो गए, अब आप डिसाइड करो आपको जीना कैसे, इट्स अप टू योर इंटरेस्ट। समझ गए बिल्कुल, सर। और एक और डाउट था सर, बोलो। लाइक जैसे अभी मैं जो कर रहा हूँ लाइक बीटेक सिर्फ डिग्री के लिए, और जो इधर चल रहा है, मैं इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि मुझे हायर एजुकेशन करना है, लाइक एमटेक या फिर एमटेक और एमबीए कुछ जो भी करना है। और अभी जो मैं जो कर रहा हूँ लाइक बेसिक बेसिक कॉलेज से कर रहा हूँ, करेक्ट, तो मेरा एक ड्रीम टाइप या फिर कुछ भी समझ लो वो मुझे करना है एकदम अच्छे तगड़े कॉलेज से। तो उन सब के प्रस्पेक्टिव से भी मतलब मैं थोड़ा जो मनी कर रहा हूँ वो मैं अपनी स्टडी के लिए सर कर रहा हूँ। और अभी जैसे मैं रह रहा हूँ बैंगलोर में, सब कुछ कर रहा हूँ वो मैं पढ़ाई अपना, और फिर मैं अभी क्लासेस कर ले रहा हूँ ऑनलाइन, मेरा क्लासेस करता हूँ और डिस्टेंस से मेरा वो कॉलेज चल रहा है। तो सारा करने के लिए सर मुझे खुद ही देखना पड़ता है, इसलिए मुझे ये करना पड़ता है, मतलब इसके बगैर फिर मुझे वो नहीं मिलेगा स्टडी। सर वही जो मैं कर रहा हूँ तो मतलब स्टडी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए सर्वस करता हूँ। तुम बाहर जाना चाह रहे हो, उसके रिगार्डिंग आईलेट्स हाँ की कोचिंग कर यस रहे हो, सर यस सर राइट, मुझे बताया, बहुत अच्छी बात मुझे। अरे यहाँ से निकलना भी है सर, तो और मतलब बाद में मनी बैकअप पे मेरे नथिंग है, मतलब नथिंग मेरे पास कुछ नहीं है, जो है मैं खुद हूँ सिंगल पर्सन, तो करेक्ट, मैं इसलिए अपना मनी अभी देख ले रहा हूँ जितना रख रहा हूँ, क्योंकि बाद में आगे जाके 5 लाख 6 लाख आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए मिनिमम लगेंगे ही और ज्यादा, मतलब और 10 लाख ज्यादा। ये मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ सर, इतना इतना करने का मुझे और लोन मिल जाए जो भी, तो ये करेक्ट सब खुद से ही करना पड़ता है सर, दैट्स द ये कर रहा हूँ मैं। करेक्ट, अच्छी बात है, आप कर रहे हो, आप बड़ा ड्रीम देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इवन फॉरेन जाना भी कोई बुराई नहीं है, फॉरेन में न्यू टेक्नोलॉजी को सीखना बुराई नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने बड़े जगह पर रहते हो वो उतनी बड़ी बातें होती है, उतना यस बड़ा सर, माइंड सेट होता है। ठीक है, इसलिए ये सर तो तुमने अपने देख ही घर लिया छोड़ होगा, के इतना दूर आया हूँ। यस, तुमने अपने घर से और अपने बैंगलोर के लोगों की ब्रेन की में यस डिफरेंस देखा होगा। सर, मैं भी रांची में मतलब था, मैं रांची से वहाँ 2 साल रहा, पढ़ा स्टडी मेरा वहाँ हुआ, फिर वहां से मैं एक निकला डायरेक्ट बैंगलोर, यही 2 साल का फिक्स सोचा हूँ जैसे मेरा बीटेक खत्म होता तब तक। करेक्ट, ये होता है जितने बड़े जगहों पे आप जाओगे उतना अलग अलग इन्वायरमेंट मिलता है, उतना अच्छा अच्छा आपके लिए ग्रोथ होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो मैं प्रयागराज से पहले मैं गांव में रहता हूँ, ठीक है, जिस गांव में मैं बहुत लो बैकग्राउंड में देखा अपने जीवन को, और फिर उसके बाद जब सिटी में गया तो इस बैकग्राउंड से उस बैकग्राउंड के लोगों का माइंडसेट अलग था, प्रयागराज की बात करता हूँ। उसके बाद जब मैं चंडीगढ़ गया, दिल्ली गया, दिल्ली का एक अलग इन्वायरमेंट था, कानपुर गया वहाँ का एक अलग इन्वायरमेंट था, चंडीगढ़ गया वहाँ का एक अलग ग्रोथ इन्वायरमेंट था, पुणे गया तो एकदम अलग ही लेवल का ग्रोथ इन्वायरमेंट फोकस था सबका। मतलब जगह बदलने पर अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है, और जितने बड़े जगह यस उतना आप प्रोफेशनल तरीके से, फॉरेन जाओगे लिख के ले लो ग्रोथ होगा। जैसे सर, पहले मैं जब रांची में रहता था तो मैंने भी यहाँ 1 month मतलब वो 2 year वहाँ पे काम किया, तो वहाँ पे मैं 2 year में बेर मिनिमम मैंने मतलब G+10 मैक्सिमम 5 से 6 बिल्डिंग किया होगा, उससे कम G7 8 9 मतलब G10 के अंदर था। जैसे मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ, अभी जो मेरी कंपनी है नेक्सस, वो मुझे Day 1 पे जो प्रोजेक्ट असाइन हुआ वो मेरा था मुंबई का है, प्रेस्टीज कंपनी का है, हाँ PJC प्रेस्टीज जजन क्लासिक, बहुत ये सिर्फ बढ़िया, 40 या 42 फ्लोर का बिल्डिंग है, इसका पूरा हैंडओवर सब कुछ का तब मैं देख रहा हूँ। फिर बैंगलोर जिस दिन जॉब किया ज्वाइन किया, दूसरे दिन से मैं इस प्रोजेक्ट पे लग गया, तो लेवल सर 10 से 42 वो मुझे सर बहुत इंस्पायर करता है कि लाइक हाँ अब जाना ही जाना है, जाने पर और बड़ा मिलेगा। बदला ना, ठीक है, ये यस होता है, सर ये बहुत अच्छी बात है, तुम की कंटिन्यू रखो अपने आप को, बैलेंस करके जी रखो, तुम अपना कह रहे तुम अच्छा डेवलप कर रहे हो, हार्ड वर्किंग, मुझे कोई वो नहीं है, मैं तो खुद बताया हूँ ऑलरेडी क्लास में भी कि मैं भी हाँ दो जी जॉब सर तीन जॉब करता था, फिर बाद में मुझे रास्ता मिल गया कि नहीं भैया दो तीन जॉब से ज्यादा है कि मैं अपनी तलवार को और स्ट्रॉन्ग करूँ, मतलब नॉलेज को और बढ़ाऊँ, और एक ही फाइटिंग का ज्यादा पैसा ले लूँ,
बस मैं भी सर वही रास्ता ढूंढ रहा हूँ, उसी प्रोसेसिंग मेरा भी चल रहा है। अच्छी बात है, फॉरेन जाओ, अच्छी लर्निंग हो, ठीक है, और कंटिन्यू रखो, बस ये है रोज सीखो, जी सर। ठीक है, सीखोगे नहीं ना, मच्छर का किस पानी में ज्यादा लगता है पता है, जो हाँ, पानी जमा रहता है, जमा जो रहता स्टेबल रहता है पानी। मतलब कीड़े भी परेशान करते हैं जमा वाले पानी को, तो क्यों रहे जमा वाले, हम सीखते रहे ना, फ्लो करते रहे, ठीक है। सर चलो आज इसी मोटिवेशन के साथ इस लेक्चर को नमस्ते करते हैं, किसी को भी डाउट रहेगा तो लास्ट में आप यहाँ पर ग्रुप में देख रहे होंगे मैसेज आया हुआ है, उस नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी ले लेना, अगर मैं कॉल नहीं भी कर पाया तो इनके माध्यम से आप एडमिशन वगैरह ले सकते हो। ये फिक्स है कि अगर आओगे तो मैं अपना 4 महीने जैसे अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे ही 4 महीने आपकी लाइफ को जितना इम्प्रूव हो सकता है, खासतौर से स्ट्रक्चर्स में तो हो ही जाएगा, करने का डेली प्रयास करूंगा, और मेरे प्रयास के साथ अगर आप अपना प्रयास अटैच कर दिए तो सक्सेस तो लिख के ले लो कि हो ही जाएगी, ठीक है। वो हो सकता है 2 महीने में हो जाए, हो सकता है 1 महीने में हो जाए, हो सकता है 3 महीने में हो जाए, हो सकता है 4 महीने, बट होगा जरूर, ये फिक्स है, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ नमस्ते करते हैं आप सबको, एंड सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, होप सो आप सबके समय जो मैंने लिया इस समय में कुछ नया आपको एडॉप्ट हुआ होगा, इसके लिए थैंक यू, आप लोगों ने पेशेंस रखा और मैंने भी क्या बोलते हैं कुछ आपको बताने का प्रयास किया जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है, ठीक है जी, चलो।